स्टार्ट करते अपन, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक है एनसीएलटी। एनसीएलटी टॉपिक कैसा होता है भाई? कभी भी इंडिविजुअली ये टॉपिक आना नहीं है, बहुत मुश्किल है कि ये इंडिविजुअली टॉपिक आएगा, और अगर आएगा तो इसका इन डेप्थ थोड़ा सा आना पक्का है। कैसे? इस बार का जो पेपर था उसमें उन्होंने टारगेट कौन सा किया था, ये वाला सेक्शन नंबर 429। सिंपल सा सेक्शन था कि जब भी हमारे एनसीएलटी को हेल्प लगेगी, चाहे चीफ मेट्रोपॉलिशियन हो या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, उनसे वो हेल्प मांग सकते हो और उन्हें हेल्प करनी होगी। चॉइस नहीं है उनके पास, वहां शेल लिखा होता है कि यहाँ पे इनको क्या करना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा। अब हमको ये पता चल गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं पूछा। सबसे पहले वो शेल के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, मतलब शेल को मे बना के पूछा। कैसे? कि अगर एनसीएलटी को हेल्प लगती है, एनसीएलटी हेल्प मांगने गया किसके पास? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास। तो क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेल्प करेगा? ठीक है, शेल है या मैं है। और इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हेल्प नहीं करनी है, तो क्या वो हाईकोर्ट के पास जा सकता है? तो वहां पे सबसे मेन चीज तो थी शेल। शेल का मतलब ही ये बनता है कि अगर हमारे एनसीएलटी को हेल्प चाहिए, तो एनसीएलटी को हेल्प कर उसे हेल्प करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब देखो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोले तो कुछ नहीं लिखा हाईकोर्ट की बात, पर वो शेल और मे के ऊपर उन्होंने क्या किया, पूरा फ्रेमिंग किया था। और वो क्वेश्चन अभी वाले अटेम्प्ट में, तुम्हारा दिसंबर का जो अटेम्प्ट हुआ उसमें ही है। तो अब तक ये टॉपिक कैसे हैं, बड़े इजी, छोटे से। अब जैसे गवर्नमेंट कंपनी शुरू से देखो पहले ही खत्म हो गया है, वो इतने छोटे छोटे टॉपिक है। पर इनका वेटेज कैसे बनता है, ये किसी और चैप्टर के साथ ज्वाइन होके मिलेंगे। और एनसीएलटी कतई इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एनसीएलटी तुम वाइंडिंग अप में भी देखोगे, प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में भी तुम्हारा एनसीएलटी का टॉपिक है, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी में भी एनसीएलटी के पास ही जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन में भी तुम एनसीएलटी के पास जा रहे हो। तो समझो किसी भी टॉपिक के साथ तुम्हारा एनसीएलटी का जुड़ा होना मिल सकता है। इंडिविजुअली भी आ सकता है या किसी टॉपिक के साथ भी आ सकता है। अब एक और टॉपिक था जिसके साथ ही आया था क्वेश्चन, एक और सुन लो इस एनसीएलटी का, ये वाला सेक्शन नंबर 432। सेक्शन नंबर 432 क्या था कि सपोज करो इन्होंने प्रिवेंशन ऑपरेशन में पूछा था, और एक बार कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में। क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया था कि एनसीएलटी के पास जाना चाहता है कोई पर्सन, अब वो कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जा रही, वो अपने क्रेडिटर को भेज रही है कि तुम हमारे बिहाफ पे क्या जाओ, कंपनी के पास चले जाओ। मतलब या तो डेटर को भेज दिया, क्रेडिटर को भेज दिया, किसी और पर्सन को भेजा है, द इंटेंशन इज दिस। तो क्वेश्चन ये फ्रेम हुआ था कि वो किसी और पर्सन को भेज रहे हैं कि हमारे बिहाफ पे एनसीएलटी के सामने आप रिप्रेजेंटेशन करो। हमें जनरली याद रहता है सीए, हमें सीएस याद रहता है, हमें कॉस्ट अकाउंटेंट एंड लीगल प्रैक्टिशनर याद रहेगा कि हमारे बिहाफ पे वो जा सकते हैं रिप्रेजेंट करने। पर यहाँ पे स्पेसिफिकली अदर पर्सन भी लिखा है कि कोई और भी तुम्हारे बिहाफ पे जा सकता है रिप्रेजेंटेशन करने, जिसे तुम अथोराइज करोगे। तो वो अदर पर्सन के ऊपर एक केस स्टडी बना के इन्होंने पूछी थी कि क्या ये वैलिड है कि क्रेडिटर या डेटर, उसने जो भी लिया था, क्रेडिटर या फिर डेटर जो भी लिया था, क्या वो जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं, क्योंकि 432 वाला सेक्शन आपका कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के क्वेश्चन के साथ जोड़ के उन्होंने पूछा था, तो वहां पे वैलिड था कि हाँ भैया अदर पर्सन जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आर यू गेटिंग? या तो ज्वाइन होके पूछेंगे या फिर क्या होगा, वो इंडिविजुअली भी इसको पूछ सकते हैं। इसमें ये सीएसीएस कॉस्ट अकाउंटेंट लीगल प्रोसीडिंग का मतलब ही खत्म हो गया था दोस्तों। हाँ ये तो है ही, पर इसके अलावा ये भी जा सकते हैं, तो उन्होंने उसका स्पेसिफाई मतलब कर ही खत्म हो दिया। गया, अदर पर्सन में सब आ गए। हाँ तो सब आ गए। तो एनी केस उन्होंने ये तो बोला कि प्रोफेशन वाले ये जाएंगे जाएंगे, बाकी ये लोग तो जा ही सकते, और किसी को भी तुमको बोलना है तो बोल दो। तो ये क्वेश्चन किसी और चैप्टर के साथ ज्वाइन होके मिला था, और ये क्वेश्चन क्या है, इसी बार दिसंबर 21 में इसकी केस स्टडी बना के पूछी है। फिर नॉर्मल से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीएलटी के, वो क्या है कि एनसीएलटी के पास कब तक जाया जा सकता है, टाइम क्या है, और एक क्वेश्चन और है जो अभी मैं बताऊंगी कि क्या एनसीएलटी का ऑर्डर रिवाइज किया जा सकता है, तो उसके ऊपर है। तो सबसे पहले आते हैं अपन नॉर्मल से क्वेश्चन सेक्शन पे। सेक्शन नंबर 420 देखा जाए तो पहले नहीं पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 420 इन्होंने लिखा जरूर है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम 421 के बाद।
पहले पहुंचे तो सही एनसीएलटी के बाद, उसके बाद हम अमेंडमेंट की बात करेंगे उसके ऑर्डर की। तो 421 बोलता है, अगर ट्रिब्यूनल ने कोई ऑर्डर दिया है, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल अगर कोई ऑर्डर देता है तो तुम किसके पास जा सकते हो? मेरी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, नॉर्मल है, ट्रिब्यूनल है, ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देता है तो मैं ट्रिब्यूनल के पास जाती हूँ, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है तो एनसीएलएटी के पास जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहले अगर तुमको ऑर्डर दिया है किसी ने ट्रिब्यूनल ने, तो किसके पास जाओगे? एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास आपको पहुंचना होगा अगर आप अग्रीव्ड हो तो। कितने टाइम में? जनरल टाइम इज 45 डेज, एक्सटेंशन कितना है आपको 45 मिल जाएगा, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर। तो जैसे ही ऑर्डर आता है, ऑर्डर से 45 दिन के अंदर तुम एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच सकते हो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को लेके। फिर बोलता है ये जो भी ऑर्डर है, ये ऑर्डर अगर दोनों पार्टी के कंसेंट से हुआ है, ये इम्पॉर्टेंट है। दोनों पार्टी, जो अपील में दो पार्टी थी, दोनों ने बोला हाँ भाई हमको भी ये मंजूर है, हमको भी ये मंजूर है, एग्रीड, और फिर वो ऑर्डर पास हुआ है, तो वो ऑर्डर को आप अपील कर ही नहीं सकते एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी के ऑर्डर को एनसीएलटी के पास लेके जाओगे, तो एनसीएलटी के ऑर्डर को एनसीएलटी के पास ले जाने के लिए पहली कंडीशन ये कि ये जो ऑर्डर ट्रिब्यूनल ने पास किया है ना, दोनों की कंसेंट नहीं थी। हमने एक को ऑर्डर दिया, दूसरा एग्रीव्ड हो रहा था, ये हमें पता है, पर म्यूचुअली जब ऑर्डर दिया जाता है तो म्यूचुअल ऑर्डर कहता है कि म्यूचुअल ऑर्डर अगर हुआ है तो फिर इसको अपील करने मत जाओ, क्योंकि तुमने फर्स्ट फेज पे ही हाँ कर ली थी इस चीज के लिए। यहाँ तक बात समझ में? तो ये है तुम्हारा पहला, तो 421 कि ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा 45 डेज में, प्लस 45 डेज एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन कंसेंट से अगर ऑर्डर आया है तो ये अपीलेबल नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आते हैं, ये भाई हो गया, अब हम पहुंच गए इनके पास, तो इनको डिस्पोज कितने टाइम में करना है? 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और अपील। एप्लीकेशन आए या अपील आए, व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय अपील? सबसे पहले जब तुम ट्रिब्यूनल के पास पहली बार गए थे ना, तब तुमने एप्लीकेशन की थी, पर जब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से दुखी होकर तुम एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो, तब तुम अपील कर रहे हो। तो चाहे एप्लीकेशन जाए या फिर अपील जाए, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपील आपको क्या करना होता है, इसको खत्म करना होता है। एक्सटेंशन मिलेगा? यस, बिल्कुल, 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर रीजन इन राइटिंग दिया जाएगा तो। अगर एनसीएलटी या एनसीएलटी तुमको 90 डेज का एक्सटेंशन दे रही, मैं ये नहीं बोल रही एग्जैक्ट 90 डेज होगा, 90 डेज तक का हो सकता है, अगर सिर्फ 20 डेज का एक्सटेंशन चाहिए तो 20 डेज एज द केस में भी, तो एक्सटेंशन आपका 90 डेज का होता है। एनसीएलटी या एनसीएलटी को रीजन इन राइटिंग कि क्यों वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाई विद इन द टाइम, 3 महीने का उसको टाइम दिया गया था, क्या ऐसा रीजन था कि 3 महीने के अंदर उन्होंने पूरा काम नहीं, डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाया, तो रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग देना होगा। President Chairperson will grant extension not exceeding, अब ये extension देने वाला कौन है, President या Chairperson, यही extension देंगे, 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, 90 से कम दिन का extension obviously possible हो सकता है। तो अभी तक हमने क्या किया, सुमित बुक में ध्यान देने से ज्यादा इधर ध्यान दो, वो बाद में पढ़ना। सबसे पहले NCLT का order है, उसके लिए तुम जाओगे NCLT के पास, कितने दिन में जाना है, 45 डेज में, एक्सटेंशन कितना मिलेगा 45 डेज का। चलो तुम एनसीएलटी के ऑर्डर के पास चले भी गए, एनसीएलटी के पास चले भी गए, लेकिन उनको कितने टाइम में खत्म करना है उसको, 3 मंथ्स के अंदर। अगर 3 मंथ्स में नहीं हुआ तो एक्सटेंशन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 90 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा, लेकिन 90 से ज्यादा का नहीं मिल सकता, 90 से कम हो सकता है, क्योंकि लिखा है नॉट एक्सीडिंग, इससे ऊपर मत जाना, एज द केस में भी जब जैसी जरूरत हो उससे कम पे तुम आ सकते हो। फिर इसके बाद ये एक्सटेंशन देगा कौन, या तो प्रेसिडेंट देगा या चेयरपर्सन देगा, प्रेसिडेंट चेयरपर्सन के पास ही पावर है कि वो एक्सटेंशन देंगे। लेकिन अब हम एनसीएलटी के ऑर्डर से भी एग्रीव्ड हैं, तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि एनसीएलटी आपकी स्टेट वाइज अलग अलग अथॉरिटी वाइज बनती है, तो वहीं की वहीं हाईकोर्ट में आप नहीं पहुंच सकते, आपको कहाँ जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट, विद इन 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी।
एनसीएलटी का ऑर्डर है, एनसीएलटी के ऑर्डर के बाद आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट के पास एंड इट शुड बी क्वेश्चन ऑफ लॉ। पर पामला जब हम पढ़ रहे थे, याद करना, पामला पढ़ते वक्त हमने अच्छे से ध्यान दिया था कि जाएंगे तो हाई कोर्ट में पर क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए भी जाएंगे एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए भी वहां पे जा सकते हैं। हाई कोर्ट इकलौता वो केस है जहां पे फैक्ट भी डिसाइड कर सकता है एंड क्वेश्चन ऑफ लॉ भी डिसाइड कर सकता है, ठीक है। इसके बाद 60 डेज का एक्सटेंशन आपको क्या मिलेगा, 60 डेज का एक्सटेंशन यहाँ पे भी उनको मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूरा कर पाया 60 दिन में तो 60 डेज का एक्सटेंशन यहाँ भी। तो अभी तक जितना किया वो ये है, एनसीएलटी का ऑर्डर एनसीएलटी के पास जाओ 45 डेज में जाओ, एक्सटेंशन 45 डेज का। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट है चेयरपर्सन वो ही क्या दे सकता है, 3 महीने में अगर केस इन्होंने सॉल्व नहीं किया, चाहे एप्लीकेशन हो या अपील हो, तो 3 महीने में सॉल्व नहीं किया तो एक्सटेंशन देने का काम प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन का है। उसके बाद जाना है सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, क्वेश्चन ऑफ लॉ भी होना चाहिए, एनसीएलटी का ऑर्डर होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सटेंशन आपको मिल सकता है कितना, 60 डेज का सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर जो पास किया, दोनों की कंसेंट थी उसमें, रजामंदी दोनों पार्टी की थी, फिर उसने ऑर्डर दिया, तो ये नॉन अपीलेबल ऑर्डर होता है, इसका कोई अपील नहीं होता। अब ऑर्डर वगैरह पास हो गया और ये पता चला अमेंडमेंट इन ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, क्यों, क्योंकि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, बोलते हैं कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से दिख रहा है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, इसका मतलब ये नहीं होता है। मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अपने आप में क्या होता है, मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का मतलब है सबसे पहले पॉइंट नंबर वन, ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, ये मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होती। सबसे पहला चीज कि मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड का जनरली जितने स्टूडेंट से आज तक मैंने पूछा है वो ये बोलते हैं, मैम देख के बस समझ में आ जाता है कि मिस्टेक है। अरे ऐसा नहीं है कि देख के समझ में आ जाता है मिस्टेक है, पॉइंट नंबर वन ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं होती। पॉइंट नंबर टू, इस पे दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, दो व्यूज पॉसिबल नहीं मतलब कोई आर्ग्यूमेंट का पॉइंट ही नहीं है यहाँ पे, वो होती है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। पॉइंट नंबर थ्री, इस पे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टिगेट करके कोई गलती ढूंढ रहे हो वो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। तो ये तीनों चीजें मिस्टेक ऑफ अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड होती है, पहला क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं होता है। दूसरा, दो व्यूज इस पे पॉसिबल नहीं है, आर्ग्यूमेंट वाली चीज ही नहीं है, ये सीधी बात है, हाँ 10+10=20 होता है तो 20 ही होता है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है उस पे, और इसको ढूंढ ढांड के मिस्टेक नहीं निकालनी होती, इन्वेस्टिगेशन वाली मिस्टेक नहीं होती, तब जाके बोला जाता है मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है। इसका मतलब इंस्टीट्यूट अगर आपको देगा मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, यू नहीं दिया इंस्टीट्यूट ने, दिया एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया और ऑर्डर जो भी पास किया उसको अच्छे से स्टडी करने के बाद हमारे सीए ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया और ये निकाला कि ये ऑर्डर रॉन्ग है, तो वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहा है कि ये मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड नहीं है। तो मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड अगर नहीं होगी तो उसका अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। आप ये कर सकते हो, एनसीएलटी ने ऑर्डर दिया तो एनसीएलटी के पास जाओ कि गलत ऑर्डर है, अपील करो डायरेक्ट उसको, वहां पे फिर आप रिविजन के लिए मत जाना, अमेंडमेंट के लिए मत जाना। अब कौन बताएगा गलतियां, इसको खुद को भी समझ में आ सकता है स्यू मोटो या फिर एनी पार्टी, कोई भी पार्टी का मतलब, सपोज करो मैं हूं और एनसीएलटी है और एक और पार्टी गई है, मुझे लगता है गलती है तो मैं जाऊंगी, उसको लगता है गलती वो जाएगा, तो कोई भी पार्टी जा सकती है, या फिर कोई अफेक्ट हुआ हो उस ऑर्डर से, हम दोनों में अपील वाले में वो थे ही नहीं, पर इस डिसीजन से कोई क्रेडिटर हो सकता है, कोई डेटर हो सकता है, कोई भी अफेक्ट हो सकता है, तो वो भी बता सकता है ये तो गलत ऑर्डर है, आई एम गेटिंग अफेक्टेड, उसका मतलब ये है एनी पार्टी का, कि या तो जो पर्सन, एक होगा अपीलेंट, एक होगा रिस्पोंडेंट, या फिर इनके ऑर्डर से, एनसीएलटी के ऑर्डर से जिसको अफेक्ट हो रहा है वो पर्सन भी जाके बता सकता है, नोटिस में ला सकता है कि ये मिस्टेक में गलती है, तो तीनों जा सकते हैं। एनी पार्टी का मतलब ये होता है, एनी पार्टी का मतलब ये नहीं कि जो दो लोग आपस में आमने सामने लड़ रहे हैं उनके कारण कोई अफेक्ट हो रहा है, तो वो भी यहाँ पे मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बता सकता है कि ये है। कितने टाइम में, तो बोलते हैं कि ये ऑर्डर विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर, जो गलत ऑर्डर था वहां से 2 साल के अंदर क्या किया जा सकता है, पास किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ऑलरेडी आपने अपील कर दी, एनसीएलटी की गलती थी, तुम्हें पता चला,
तुम तो क्या बैठे नहीं, शांति नहीं रखे, ऑलरेडी तुम अपील कर चुके हो, तो जब ऑलरेडी अपील में है तो वो ठीक वैसे भी हो जाएगा, तो अब यहाँ पे उसको अमेंड करवाने की जरूरत नहीं है। तो एनसीएलटी का ऑन नटशेल जितना इम्पोर्टेंट था वो ये था, सबसे पहले एनसीएलटी से अगर कोई गलती हुई है एनसीएलटी के पास 45 डेज में जाओगे, एक्सटेंशन 45 डेज का मिल जाएगा। यहाँ पे लेकिन अगर दोनों की कंसेंट से कोई चीज पास हुई है, कोई ऑर्डर पास हुआ है, तो उसको तुम अपील नहीं कर सकते। अब जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर में मिस्टेक है, तो इट शुड बी मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, जिसे या तो तुम खुद समझ जाओगे एनसीएलटी, या तो कोई बताएगा, कोई भी पार्टी बता सकती है, 2 साल के अंदर तुम्हें बताया जा सकता है, तुम अमेंड कर सकते हो। लेकिन अगर ये ऑर्डर ऑलरेडी हम अपील कर चुके तो तुम इसका अमेंडमेंट नहीं करोगे। कौन एक्सटेंशन देगा बोलते, जो भी ऑर्डर आएगा यहाँ पे ओरिजिनल वाला, 3 महीने के अंदर एनसीएलटी को खत्म कर देना चाहिए, एनसीएलटी को भी 3 महीने के अंदर डिस्पोज करना चाहिए। अगर डिस्पोज नहीं कर पा रहे तो एक्सटेंशन इन्हें दिया जा सकता है। कौन दे सकता है? प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन दे सकता है एक्सटेंडेड 90 डेज का, फिर इसके बाद 90 दिन का तो ये दे सकता है। लेकिन इसमें भी एक चीज क्या बोली है, एक्सटेंडेड कितना होगा, 90 डेज, रीजन इन राइटिंग देना पड़ेगा एनसीएलटी एनसीएलटी को कि क्यों ये कंप्लीट नहीं कर पाए विद इन द टाइम फ्रेम। अब इधर के ऑर्डर से भी कोई अग्रीव्ड एनसीएलटी के तो वो डायरेक्ट जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बट वहां क्या होना चाहिए, क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होना चाहिए। फिर इस एनसीएलटी के पास जाना है, एनसीएलएटी के पास जाना, मैम कौन कौन रिप्रेजेंटेशन कर सकता है हमारे लिए, हम खुद कर सकते हैं, कोई और पर्सन कर सकता है, सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो अभी अपन ने पढ़ा था। फिर हमने ये भी देखा यहाँ पे 429, मैम कभी ऐसा हो कि एनसीएलटी या एनसीएलटी को किसी मदद की जरूरत है तो वो कहाँ जा सकते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के पास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ये जा सकते हैं और यहाँ पे ये हेल्प करेंगे, वहां लिखा है वर्ड शेल। फिर आते हैं यहाँ पे, ये हो गया, ये हो गया। अब एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी 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 या एनसीएलटी ने तो ऑर्डर दे दिया, कहाँ किस एरिया तक वो ऑर्डर वैलिड रहेगा, क्योंकि ये तो ज्यूरिसडिक्शनल वाइज है, और ज्यूरिसडिक्शनल वाइज इसलिए तो तुमको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ता था, नहीं तो हाई कोर्ट पे नहीं चले जाते क्या। तो बोलते हैं अब ये कहां तक वैलिड रहेगा, तो बोलते हैं अगर कंपनी के लिए कोई ऑर्डर पास किया है तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पे सिचुएटेड है उस एरिया तक उसका ऑर्डर वैलिड रहेगा। लेकिन कोई और पर्सन है, कोई और पर्सन है तो यहाँ पे वो पर्सन जहां रहता है या फिर जहां उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है, तो जहां पे या तो वह रह रहा है या बिजनेस और प्रोफेशन है, वहां पे क्या होगा, उसके लिए वैलिडिटी रहेगी इस ऑर्डर की। तो ये है पूरा एनसीएलटी का पार्ट। अब इसके अंदर एक चीज और आती है जो हम वैसे तो कर चुके हैं, पामला वगैरह हर जगह पर सेक्शन बदल रहे हैं, चीजें कॉमन है। बोलता है जहां पे एनसीएलटी या एनसीएलटी की पावर है वहां कोई और कोर्ट इस केस को क्या नहीं करेगा, एंटरटेन नहीं करेगा। तो अगर पावर एनसीएलटी या एनसीएलटी की है तो कोई ना तो एंटरटेन करेगा और ना ही कोई इंजेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब कोई कम करना है पनिशमेंट या फिर कोई फाइन लगाना, ये कुछ भी बीच में हाथ नहीं डालेंगे। फिर आता है 431 की, सपोज करो एनसीएलटी या एनसीएलटी के कंपोजिशन में कोई मिस्टेक हो गई, हमको बोला था कि 65 तक के एज वाले इंसान को लेना, चेयरपर्सन 70 का ही एज तक का हो सकता, उससे ज्यादा की एज वाला चेयरपर्सन नहीं हो सकता। तो बोलते अगर बाय चांस ऐसा हो गया उसकी एज हमको डिफॉल्ट है 71 का हो गया, या फिर क्या हो गया हमारे चेयरपर्सन की डेथ हो गई, तो बोलते जस्ट बिकॉज वैकेंसी है या डिफेक्ट है कंपोजिशन में, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑर्डर पास किया जाएगा वो एनसीएलटी या एनसीएलटी का ऑर्डर ही इनवैलिड होगा, वो ऑर्डर वैलिड रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी वैकेंसी, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिफेक्ट। और फिर लास्ट हमारा यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट रहता है, मतलब लिमिटेशन एक्ट मतलब एक लिमिटेड टाइम में तुमको ये सारी चीजें खत्म करनी होती है। तो लिमिटेशन एक्ट में बोला है कि ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा किसी केस को खींचते रहोगे, एक लिमिटेड टाइम में हर चीज यहाँ खत्म होनी चाहिए। दिस इज द टॉपिक ऑफ योर एनसीएलटी। एक बार सुपर क्विक मैं फिर से बता रही हूँ क्योंकि तुम वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए आज के लिए रिकवरी बहुत सारी। तो सबसे पहले अगर कुछ भी दिक्कत है, एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया, एनसीएलटी के पास जाओ, एनसीएलटी के पास जाने के लिए 45 डेज है प्लस 45 डेज का एक्सटेंशन है।
यहाँ पे बोलते हैं कि जब भी तुम उनके पास जाओगे, अगर क्या हुआ है एनसीएलटी ने क्या किया था, ऐसे ऑर्डर पास किया था कि दोनों की कंसेंट थी तो तुम एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते हो। फिर बोलते हैं अब जैसे ही एनसीएलटी के पास पहुंच गए, दो यहाँ पे बोलता है कि इसको एनसीएलटी हो या एनसीएलटी हो, दोनों को 3 महीने में खत्म करना होता है किसी भी केस को। अगर ये 3 महीने में केस खत्म नहीं कर पाते तो इनको प्रेसिडेंट या फिर चेयरपर्सन से बोलना होता है कि हमको एक्सटेंशन चाहिए। तो प्रेसिडेंट हो या चेयरपर्सन हो, वो 90 डेज का क्या दे सकता है, आपको एक्सटेंशन दे सकता है, दे सकता है, देगा या नहीं मतलब ये पूरा उसके डिस्क्रिशन पे, लेकिन तुम्हें रीजन इन राइटिंग देना होगा कि क्यों तुम 3 महीने के अंदर ये काम खत्म नहीं कर पाए। ऑर्डर आ गया, या तो तुम अग्रीव्ड होगी या तो इस ऑर्डर में मिस्टेक होगी। अगर ऑर्डर से अग्रीव्ड हो तो सुप्रीम कोर्ट के पास विदिन 60 डेज चले जाना, और प्लस 60 डेज का एक्सटेंशन है, बट क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए। मैम अगर ऑर्डर ऑफ यहाँ पे मिस्टेक है ऑर्डर में, तब कहाँ जाएंगे? अगर मिस्टेक एपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है तो एनसीएलटी को 2 साल के अंदर बता सकते हो, एनसीएलटी को भी 2 साल के अंदर बता सकते हो। तुम बताओ, कोई और बताए। अब समझना एक इंटरप्रिटेशन, हमने बोला है कि लास्ट फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी कौन है हमारी, यहीं पे समझ में आ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही जा सकते हो, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के लिए नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ। मैम अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट से दुखी है हम तो क्या करेंगे? तो इन शॉर्ट तुम्हें फिर से किसको बताना पड़ेगा, अगर ये इन्वेस्टिगेशन करके पता चला है तो रहने दो, अब ये जो डिसीजन है फाइनल डिसीजन है। पर वो चीज तुम्हें बिना इन्वेस्टिगेशन के पता चल गई, उसमें दो व्यूज पॉसिबल ही नहीं है, एकदम 2+2=4 ही होता है, तब तो तुम अप्लाई करना वो अमेंडमेंट वाला सेक्शन। पर अगर दो व्यूज पॉसिबल हो गए या फिर बहुत खोजबीन करके कोई मिस्टेक आई और वो लॉ की मिस्टेक नहीं है, वो फैक्ट की मिस्टेक है, तो तुम समझ रहे हो फाइनल डिसीजन आ चुका है, अब आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एनसीएलटी खत्म हुआ। प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन करने कोई भी पर्सन जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे ऑर्डर कहाँ तक वैलिड होगा, जहां आरओ है, अगर कंपनी के लिए ऑर्डर गया और किसी और पर्सन के लिए ऑर्डर गया तो जहां वो रिसाइड करता है या फिर जहां पे उसका बिजनेस है। ठीक है, इससे ही पूरा एक बार रिवाइज करना जब टाइम मिले। इसका तुम्हारे स्टडी में डीजी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसका भी ऑडियो है, तो कभी लगे कि टाइम नहीं मिल रहा है तो एक बार सुन लेना, नहीं तो ये इतना छोटा चैप्टर है कि खत्म हो जाएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी यही थे जो 3 अभी मैंने बोले ना, अलग अलग जगह, या तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि कितना टाइम में जा सकता है, या तो ये वाला इसने कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के साथ पूछा है, और ये रीसेंट तुम्हारे अटेम्प्ट का क्वेश्चन था जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर उन्होंने पूछ के रखा था। फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कब अपील नहीं होगा, तो वो अपील कब नहीं होगा, जब दोनों की कंसेंट से हुआ था तब कुछ अपील नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये बहुत ही छोटा सेक्शन जो शुरू किया होगा और खत्म भी हो जाएगा चैप्टर ही, गवर्नमेंट कंपनी का। तो बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है सबसे पहले, दो मिनट समझो, 2 मिनट एक बार देख लेता हूँ आज से एक बार। ठीक है,
कंप्लीट। गवर्नमेंट कंपनी बहुत ज्यादा छोटा चैप्टर है, शुरू तो क्या शुरू होने से पहले ही खत्म है। अब मेन तो तुमको इसमें बस, और इसके क्वेश्चन भी दो क्वेश्चन है, अगर तुम मुनीश भंडारी में भी देखोगे ना सिर्फ दो क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है वो भी मैं अभी बताती हूँ साथ साथ में, सिर्फ उस चीज के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछ के रखा। सबसे पहले बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होता क्या है? ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट ने कम से कम 50% 51% क्या किया हो, पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा हो। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जिसमें हमारी गवर्नमेंट 51% कम से कम, उससे कम नहीं, एटलीस्ट बोल सकते हैं हम इसको, एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करती। अब पता है तुम लोग के जो आंसर्स गलत होने का रीजन एक ये भी होता है, कहाँ नॉट लेस देन 51 लिखना है, वहां अप टू लिख देते हो। अप टू का मतलब ही बदल जाता है कि 51% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये लैंग्वेज याद रखना, 51% से कम नहीं होना चाहिए, तो या तो लिखो एटलीस्ट, एटलीस्ट मतलब होता है 51 या उससे ऊपर, तो एटलीस्ट का मतलब क्या है 51 या उसके ऊपर। अप टू का मतलब अलग है, अप टू मतलब 51 पे क्लोज, उसके ऊपर मत निकलना। तो दिस लैंग्वेज शुड बी रिटन वेरी पर्टिकुलरली, यहाँ पे लिखा है 51 कम से कम या उससे ज्यादा चलेगा, ठीक है। फिर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है, जॉइंटली दोनों भी होल्ड कर सकते हैं। एक तो ये हो गई हमारी गवर्नमेंट कंपनी, एक ये हुई। दूसरा बोलता है सब्सिडरी ऑफ कंपनी, हमारी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है तो भी वो गवर्नमेंट है, लेकिन सपोज करो दो चीजें लिखी इसने, ये रही हमारी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया 51% या उससे ज्यादा इस कंपनी में होल्ड करके रखा है, तो ये क्या हो गई, हाँ ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, डन। इस गवर्नमेंट कंपनी की एक सब्सिडरी है, ये रही वो कंपनी, तो ये भी क्या हो गई, गवर्नमेंट कंपनी, डन। लेकिन इसकी एक और होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एक थोड़ी ना जरूरी कि एक ही होल्डिंग कंपनी हो, एक से ज्यादा होल्डिंग कंपनी भी हो सकती है। इसने सपोज करो यहाँ पे रखा है 80%, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी, पर यहाँ पे एक और होल्डिंग कंपनी वो इसका यहाँ पे क्या होल्ड करती है, सपोज करो 70% होल्ड करती है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे होल्डिंग 70% रखी है, ये 80% होल्डिंग रखी, कैसे हो सकता है, कुल मिला के तो 100% ही होता है ना सुमित, तो ये कभी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये चीजें कभी पॉसिबल नहीं होती। तो इन शॉर्ट यहाँ पे वो बोल रहा है क्या कि गवर्नमेंट ने क्या किया 51% किस कंपनी में होल्ड किया, इस कंपनी में, ठीक है। ये कंपनी क्या है, अगर इसको होल्डिंग रखती है सब, ये मतलब ये कंपनी क्या है, इसकी सब्सिडरी, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। यहाँ पे वाइस वर्सा का कॉन्सेप्ट नहीं है। वाइस वर्सा का मतलब कैसे, अब सपोज करो ये कंपनी हमारी कौन सी, ये गवर्नमेंट कंपनी, ये कहीं और होल्डिंग रखे इसकी सब्सिडरी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बोला है, सब्सिडरी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। तो यहाँ पे जो बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है, अगर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट किसी कंपनी में 51% से ज्यादा होल्ड करती है, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, और इसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी की बात चल रही है बस, वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, पर इसके बाद ये वाली गवर्नमेंट कंपनी अगर यहाँ पे होल्ड करती किसी और कंपनी में, वहां से रिलेशन खत्म है। ऐसे तो तुम चलाते ही जाओगे, ये भी गवर्नमेंट, उसके आगे की भी गवर्नमेंट, उसके ऐसे तो सारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएंगी। तो बोलते हैं डायरेक्ट नेक्सस चाहिए, उसके बाद गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की गवर्नमेंट, ऐसा नहीं चलेगा, बस ये इतनी स्टेज तक ही काम चलेगा, कितनी स्टेज तक, यहां तक, इसके बाद आउट। तो ये इस पॉइंट में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, एक कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट ने 51% से ज्यादा सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने ज्वाइंटली होल्ड किया, उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी पे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, तो उन्होंने बोला उसकी सब्सिडरी की सब्सिडरी है, उसमें वही होल्डिंग वगैरह, यहां तक तो ये क्या हो जाएगी, ये गवर्नमेंट हो जाएगी, ये भी गवर्नमेंट हो जाएगी। बोलते इसकी भी सब्सिडरी है, फिर उन्होंने पूछा इसको क्या एनुअल रिटर्न और ये सारी चीजें कहाँ कहाँ सबमिट करनी होगी और कितने टाइम में,
तो ये सब तो फालतू की बातें थी कि एनुअल रिटर्न सबमिट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करना पहली बार। तो ये जो है ना कंपनी, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी ही नहीं है, क्योंकि यहां तक स्ट्रिक्टली उन्होंने क्या बोल के रखा है, स्ट्रिक्टली बोला है सिर्फ सब्सिडरी ऑफ दैट कंपनी, इस कंपनी की सब्सिडरी। अब सब्सिडरी की सब्सिडरी के रिलेशनशिप नहीं बनेंगे, या फिर ये सब्सिडरी कंपनी जिसको होल्ड कर रही है ये तो होल्डिंग हो गई, ये क्या हो गई, होल्डिंग हो गई। तुम बोलोगे मैम ये तो होल्डिंग है, और ये जिसको ओन कर रही है वो सब्सिडरी, बोलते ये नहीं चलेगा। सिंपल सी बात, डायरेक्ट नेक्सस, जहां तक टू स्टेज बोल सकती हूँ उसको मैं, टू स्टेज तक चलेगा, उसके आगे खत्म। तो इस चीज पे तुम्हारा मुनीश भंडारी में फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर दिया हुआ है, और यही कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे मैम पेड अप कैपिटल कौन सी होगी, इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, और यहाँ पे डिफरेंशियल वोटिंग पावर भी इंक्लूडेड है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो समझना है कि डिफरेंशियल वोटिंग पावर क्या होता है। डिफरेंशियल वोटिंग पावर बोलते, देखो इन जनरल क्या होता है, वन पर्सन वन वोट होता है, एक पर्सन को एक वोट होता है। लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें भले ही आपके पास एक शेयर है, पर एक शेयर की पावर अगर आप वोट करोगे तो 10 वोट के बराबर है, मतलब वैल्यू वाइज वोटिंग होती है वहां पे। तो कहीं बार क्या होता है, पर वोट पर शेयर नहीं होता है, वैल्यू वाइज अगर आपके पास क्या है, शेयर्स है, तो एक शेयर की वोटिंग पावर 10 वोट्स के बराबर भी हो सकती है। ऐसा ऑलरेडी अलॉट किया जाता है कि तुम डिफरेंशियल वोटिंग पावर वाले शेयर्स रख रहे हो, तो इसमें वो भी इंक्लूड करते हैं। तो इन शॉर्ट, गवर्नमेंट सेंट्रल हो, स्टेट हो, जॉइंटली हो, 51% से ज्यादा होल्ड करें, और उसकी भी जो सब्सिडरी कंपनी वो भी गवर्नमेंट कंपनी है, डिफरेंशियल वोटिंग पावर भी इंक्लूड होता है। अब कुछ नहीं है, अब बोलते हैं अगर गवर्नमेंट कंपनी कैसी है कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी मेंबर है, तो तुमको जो भी एनुअल रिपोर्ट है तुम्हारी वो सारे क्या है, एजीएम होने के 3 महीने के अंदर, एजीएम होने के 3 महीने के अंदर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में तुम्हारी एनुअल रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री टू द ऑडिट रिपोर्ट सब सबमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है। अगर मैम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर होगी, अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट मेंबर होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर, हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के पास तुम्हारा विद इन 3 months क्या हो जाना चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट, तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट और सप्लीमेंट्री टू द ऑडिट रिपोर्ट सबमिट होना चाहिए। और अगर दोनों की दोनों मेंबर्स हैं तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी ये चीज जाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर में भी जाएगा, बट द टाइम इज 3 months फ्रॉम एजीएम। टाइम कितना है एनुअल जनरल मीटिंग का, 3 महीने, जैसे एजीएम हुई उससे 3 महीने के अंदर तुमको ये सब क्या करना होगा, देना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट दे दू रीड करने के लिए, कर लो रीड। Now, removal of the name of company. Again, a very small chapter, छोटा है, अच्छा है, और इसकी भी वेटेज 4 नंबर की होती है अगर आता है तो। ठीक है, तो अब बोलते हैं रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी में कितने सेक्शन है, सिर्फ 5 सेक्शन का चैप्टर है, और साथ साथ करते जाएंगे, याद करते जाएंगे। मैम किसके पास जाना पड़ेगा रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी करने के लिए, तुम्हें ऑब्वियसली सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाना है, डायरेक्ट एनसीएलटी के पास नहीं पहुंचोगे। तुमने रजिस्टर करवाई है अपनी कंपनी रजिस्ट्रार के पास, तो तुम्हें रजिस्ट्रार के पास ही क्या करना होगा, जाना होगा। तो बोलते हैं रजिस्ट्रेशन अगर हमको कैंसिल करवाना है, रिमूव कराना है नेम ऑफ द कंपनी, हम गए रजिस्ट्रार के पास, हम चाहें तो रजिस्ट्रार चाहे तो खुद भी तुम्हारा नाम खुद से कैंसिल कर सकता है अगर कुछ कंडीशन उसको दिखती है तो, या फिर कंपनी खुद भी क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। रजिस्ट्रार खुद भी चाहे तो कैंसिलेशन कर सकता है, कंपनी खुद भी अप्लाई कर सकती है कि भाई मेरा नाम कैंसिल कर दो। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, जब खुद क्या होगा, रजिस्ट्रार सोचेगा एंड जब कंपनी जा सकती है। तो यहाँ पे ये जो स्यू मोटो लिखा है, दिस स्यू मोटो ये यहाँ तक है, ये सारा काम है रजिस्ट्रार के सोचने का कि रजिस्ट्रार क्या करेगा, कब कैंसिलेशन करेगा। और यहाँ पे कंपनी के लिए है कि कंपनी कब जा सकती है कैंसिलेशन करवाने। तो पहले रजिस्ट्रार के ऊपर आता है कि कब रजिस्ट्रार को खुद से लगता है, स्यू मोटो लगता है, ही हैज रीजन टू बिलीव कि नेम ऑफ द कंपनी कैंसिल होना चाहिए। चलो जो भी रीजन हो, जो भी रीजन हो, स्यू मोटो उसको लगता है रजिस्ट्रार को दैट द नेम ऑफ द कंपनी टू बी कैंसल्ड, वो सबसे पहले तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा।
जो भी रीजन हो, भी मुझे ये सब रीजन नहीं पता, ध्यान सिर्फ इधर देना बुक में, बाद में पढ़ना, मुझे कोई रीजन नहीं पता, लेकिन मैं क्या करूंगी एज एन रजिस्ट्रार, सबसे पहले सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दूंगी कि ये फलाना फलाना रीजन है, बताओ क्यों तुम्हारा नाम रिमूव ना किया जाए। अब या तो तुम रिप्लाई दोगे या तो तुम रिप्लाई नहीं दोगे। अगर तुमने रिप्लाई दिया, या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी होगा या तो रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा। तुमने रिप्लाई दिया सेटिस्फैक्टरी है, बातें ही वहीं खत्म हो जाती है। तुमने रिप्लाई दिया सेटिस्फैक्टरी नहीं है, या फिर तुमने रिप्लाई नहीं दिया, तभी तो बातें आगे बढ़ेंगी। या तो तुम रिप्लाई नहीं करोगे या तो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई ही नहीं करोगे, तब फिर वो पब्लिश करेंगे नोटिस इन ऑफिशियल गैजेट। पूरे लोगों को बताना पड़ेगा ना भाई कि इस कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ है। जब तुम्हारा इंस्टीट्यूट सीए के नाम को भी स्ट्राइक ऑफ करता है तो नोटिफिकेशन पब्लिक में इशू करता है, नोटिफिकेशन आते रहते होंगे तुमको कि इन इन सीए के नाम कैंसिल कर दिए गए, तो दैट इज नथिंग, पब्लिक नोटिस दे रहे हैं कि ये लोग अब सीए नहीं है अभी के लिए 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जितना भी। और अगर परमानेंट रिमूव किए तो उनकी डिग्री छीन ली गई है। तो वही बोल रहे हैं, खुद से करेगा कोई भी रीजन हो, अभी वो रीजन नहीं पता, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देगा। या तो तुम सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दोगे या तो अनसेटिस्फैक्टरी, या तो रिप्लाई ही नहीं दोगे, तो पब्लिक नोटिस इश्यू हो जाएगा। और ये याद रखना है, इसका काम अभी आने वाला है आगे, तो पब्लिक नोटिस की डेट है, वहां से कुछ चीजें अभी आगे और स्टार्ट होंगी अपनी। अब आगे क्या बोलता है कि मैम वो रीजंस क्या हैं जिसके लिए ये नोटिफिकेशन सारा सब जाएगा, तो सबसे पहले सुनो। अब कंपनी कमेंट्स हो गई, ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कंपनी का तो तुमने इनकॉर्पोरेशन कर लिया, यू हैव इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, बट स्टिल फेल्ड टू कमेंट्स द बिजनेस विद इन 1 ईयर। 1 साल से कंपनी बना के बैठे हो बट बिजनेस कुछ नहीं करे, तो करना क्या है ऐसी कंपनी का? क्योंकि जब डॉर्मेंट कंपनी का भी बात करोगे ना, तो डॉर्मेंट कंपनी का भी एक लिमिटेड टाइम है कि कंपनी कब तक डॉर्मेंट रह सकती है, उसके बाद भी तुम्हारा नेम ऑफ द कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। तो डॉर्मेंट की भी एक लिमिट है कि ऐसा नहीं तुम जीवन भर डॉर्मेंट रख सकते हो अपनी कंपनी को। डॉर्मेंट मतलब जिसमें सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं होते या फिर कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो बोलते हैं कि एक तो तुमने कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया, या तो हमको बताते कि हमको एज ए डॉर्मेंट कंपनी रखना है तो एक लिमिटेड टाइम दे देते हम। तुमने इनकॉर्पोरेट किया, हमको बोला भी नहीं कि डॉर्मेंट कंपनी रखना है, और फेल टू कमेंस द बिजनेस, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास रीजन है टू रिमूव योर कंपनी। अब सुनना ध्यान से, हमने 1 साल वेट किया, तुमने बिजनेस कमेंस नहीं किया, तो रजिस्ट्रार ने नोटिस इशू किया। अब नोटिस इशू करेगा तो तुम बताओगे अरे वी वांट टू मेक एन एप्लीकेशन की कंपनी को डॉर्मेंट रखो, तो अगर उसको लगता है तो ठीक है अभी रुक जाएगा वो। लेकिन तुम रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ बता भी नहीं रहे, तो फिर तो ऑब्वियस है ना कि क्या होगा कि अगर 1 साल में बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है तो यहाँ पे तुम्हारी कंपनी का रिमूवल होगा। यहाँ मैं सिर्फ लॉजिक डॉर्मेंट कंपनी का बता रही हूँ, तुम लिख के मत आना एंड हैज नॉट अप्लाइड फॉर डॉर्मेंट कंपनी, वो यहाँ पे आएगा कंपनी के केस में। रजिस्ट्रार को थोड़ी ना पता था कि तुम क्या चाहते हो, रजिस्ट्रार को तो दिखा कि 1 साल में बिजनेस कमेंस नहीं हुआ है, बस इतना दिखा उसको, तो उसने तुमको नोटिस फेंक दिया कि देखो बताओ क्या करना है तुम्हारा। दूसरा, इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया और देखा कोई बिजनेस ऑपरेशन तो है ही नहीं वहां पे, तो वैलिड है कि तुम्हारा नाम कैंसिल करेंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन किया तुम्हारी जगह का आके और कोई वहां पे बिजनेस दिख ही नहीं रहा है, तो वो नोटिस दे देगा कि क्यों ना तुम्हारा नाम कैंसिल कर दिया जाए। फिर जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है, हमने देखा इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हमारे फाइनेंशियल ईयर से 2 साल पहले का भी फाइनेंशियल ईयर चेक किया, तुमने तो कोई बिजनेस ऑपरेशन करके नहीं रखा और साथ में डॉर्मेंट कंपनी के लिए भी अप्लाई नहीं किया। बिजनेस कमेंस किया, 1 साल में बिजनेस कंपनी इनकॉर्पोरेट की, बिजनेस चालू नहीं किया। फिजिकल वेरिफिकेशन किया, बिजनेस दिख नहीं रहा। फिर हमने देखा पिछले 2 सालों में कोई काम नहीं हो रहा, डॉर्मेंट कंपनी के लिए भी अप्लाई नहीं किया। इन शॉर्ट देख रहे हो, तीनों पॉइंट से एक ही चीज बोल रहे, बिजनेस नहीं हो रहा है। या तो इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर नहीं हुआ, या फिर 2 साल पहले चेक किया तब भी बिजनेस नहीं हो रहा था, अभी तुमने डॉर्मेंट कंपनी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, या फिर किसी भी वक्त हम गए और फिजिकल वेरिफिकेशन किया, वहां तो हमको कोई बिजनेस होता ही नहीं दिख रहा। तो ये सारे क्या है, कंपनी से रिलेटेड पॉइंट है कि कंपनी कंपनी कंपनी, बिजनेस 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 नहीं हो रहा है बस, चाहे वो फिजिकल वेरिफिकेशन हो, चाहे डॉर्मेंट वाला हो, चाहे इनकॉर्पोरेशन के बाद वाला हो। अब एक सब्सक्राइबर से रिलेटेड पॉइंट है, बोलते हैं सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब्सक्राइबर्स ने साइन किया था, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इतना अमाउंट वो पे करेंगे,
दे हैव नॉट पेड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट अभी तक नहीं आया और तुमने 180 दिन निकल गए, कोई डिक्लेरेशन भी नहीं दिया इस बारे में। तुम्हारी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद इन्हें क्या देना था, एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना था जो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करते वक्त लिखा था। अब हम देख रहे इनकॉर्पोरेशन के बाद कोई पैसा नहीं आ रहा और 180 दिन निकल गए, तुम इस बात का डिक्लेरेशन तो देते हमको कि इतने टाइम में पैसा आएगा, इतने टाइम में पैसा नहीं आएगा, कुछ तो हमको लिख के देते। तुम हमने 180 दिन वेट किया, दैट मीन्स जिसको मैं 6 मंथ बोल सकती हूँ। पर 6 मंथ क्यों नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि 6 मंथ मतलब एग्जैक्ट 6 मंथ होता है, 180 डेज, कहीं पे 30 है, कहीं 31 है, कहीं 28 है, वैसा भी हो सकता है। तो जब 180 है वो कंपल्सरी 180 लिखना, उसको 6 मंथ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे बोला सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया पर पैसा पे नहीं किया, तुम्हारा कोई डिक्लेरेशन आया नहीं 180 दिन के अंदर, तो हम तुमको शो कॉज नोटिस दे रहे। तो ये रजिस्ट्रार की सोच है, 1 साल हो गया बिजनेस चालू नहीं है, फिजिकल वेरिफिकेशन में बिजनेस नहीं दिखा, 2 साल हो गए और तुमने डोरमेंट कंपनी के लिए भी अप्लाई नहीं किया, या फिर सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने पेमेंट नहीं किया और 180 दिन में तुम्हारा डिक्लेरेशन भी नहीं आया। ये सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो तुम्हारे को शो कॉज नोटिस देके पूछेंगे, बताओ तुम्हारा करना क्या है। ये हो गया रजिस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कंपनी बोलता है, कंपनी को खुद दिख गया है कि हमने इनकॉर्पोरेशन किया लेकिन 1 साल में बिजनेस कमेंस नहीं किया, हम खुद चाहते हैं हमारा क्या कर दो, रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। या फिर हमने 2 साल से क्या किया है, कोई बिजनेस नहीं किया और ना ही डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई किया, हम खुद लिख के दे रहे कर दो हमारा नाम कैंसिल। या तो तुम नहीं लिखोगे और रजिस्ट्रार को नोटिस हो गया तो वो नोटिस दे देगा, या फिर तुम खुद भी बोल दो कि मेरा नाम कैंसिल कर दो, पिछले 2 साल से हमने कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया है, या फिर इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के अंदर कमेंसमेंट नहीं हुआ। कंपनी सिर्फ इन दो रीजन के लिए जा सकती है, कंपनी सिर्फ इन दो रीजन के लिए जा सकती है। रजिस्ट्रार के पास वो फिजिकल वेरिफिकेशन तो रजिस्ट्रार ही करेगा ना, खुद कंपनी थोड़ी ना बताएगी। सब्सक्राइबर का तो कंपनी को ही बताना पड़ेगा कि पेमेंट कब आया कब नहीं आया। तो इसके पास, कंपनी के पास खुद जाने के लिए सिर्फ 2 रीजन है। पर तुम्हें क्या लगता है, कंपनी ऐसे ही चली जाएगी? नहीं, कंपनी को, कंपनी के ऊपर बहुत बड़ी भारी चीज होती है कि कंपनी को पहले लाइबिलिटी पहले पूरी करो। तुम कंपनी बंद करा के बैठ जाओ, क्रेडिटर्स रो रहे हैं यहाँ पे कि भले ही 2 साल से बिजनेस नहीं हुआ था, मेरा पैसा लेके बैठे हुए हैं। लोन वाले रो रहे हैं तो बोल रहे हैं कि कंपनी की कंडीशन सबसे पहले ऑल कीवर्ड है यहाँ पे, सारी की सारी लाइबिलिटी खत्म करो, फिर आना हमारे पास कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी कर दो। फिर तुम कंपनी बंद करा रहे हो, कितने लोगों का नुकसान भी हो सकता है, हम कैसे विश्वास करें कि सबने हाँ करके रखी है। लाइबिलिटी तो खत्म करो, साथ में स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए कि हाँ कंपनी बंद करवाना है और सब लोग खुश हैं इस बात से, 75% वोटिंग आई। या फिर स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं होता है तो कम से कम जो मेंबर्स है जिनके पास 75% आपके पेड अप शेयर कैपिटल है, वैल्यू वाइज बोल रहा है, या तो स्पेशल रिजोल्यूशन दो, वो नहीं हो पा रहा तो वैल्यू वाइज 75% पेड अप शेयर कैपिटल वाले हाँ करते हैं क्या? और साथ ही साथ अगर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी से बंद करने से पहले अप्रूवल लेना है तो वो सब लेके आओ, मतलब तुम अपनी तरफ से लाइबिलिटी खत्म करो, घर में सबसे पूछ के आओ कि कंपनी बंद कर दे क्या, और घर के बाद बाहर वालों से भी पूछ लो, मतलब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस कंपनी बंद होना चाहती तो IRDA से पहले वो लेगी वो परमिशन। कोई ऐसी कंपनी है जिसपे फेमा एक लगता है तो वो RBI से परमिशन लेगी। मतलब जहां जहां पे अप्रूवल चाहिए वो पूरा अप्रूवल लो, फिर हमारे पास आना। लेकिन ये जो चीज है ना, सेक्शन 8 कंपनी पे क्यों नहीं लगती, वैसे ही वो तो प्रॉफिट वाली थी नहीं, तो सिर्फ उस पे ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता। कौन कौन जा सकता है उसको, सबसे पहले सेक्शन नंबर 248, कौन है जो हमारा रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी करेगा? रजिस्टर, खुद को लगता है तब भी कर सकता है। खुद कंपनी जा सकती है कि 1 साल में बिजनेस कमेंस नहीं किया, या फिर डोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया, पिछले 2 साल से मैं कुछ बिजनेस कर भी नहीं रही हूँ, लेकिन पहले लाइबिलिटी खत्म करेगी, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी, और स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं है तो 75% पेड अप शेयर कैपिटल जिनके पास है उनसे कंसेंट लेके आओ, और इसके अलावा बाहर वालों से कंसेंट लो, मतलब कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी जिनसे तुम्हें परमिशन लेनी है, तो वो सब लेने के बाद हमारे पास आना कि रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी होना चाहिए हमारा। That is 248. लेकिन बोल रहे रुको कंपनी, इतनी जल्दी क्या है, तुम तो लूपहोल के साथ खेल जाओगे। मतलब बोल रहे 249 बताता कब कंपनी नहीं जा सकती। एक तो बताया कि अगर लाइबिलिटी खत्म नहीं की तो भी नहीं जा पाएगी।
अगर स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं किया तो भी कंपनी नहीं जा सकती। स्पेशल रेजोल्यूशन किया तो 75% वैल्यू वाले से पूछने गई, सपोज करो उन्होंने हाँ नहीं किया तो भी नहीं जा पाएगी, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मना किया तो भी नहीं जा पाएगी। एक तो ये यहाँ से रीजंस निकल के आते कि कब कब हो ही नहीं सकता रिमूवल, लेकिन अब स्पेसिफिकली रिमूवल नहीं हो सकता कब, तुम जा ही नहीं सकते अगर ये सारी चीजें तुमने, ये सारी चीजें पिछले 3 महीने में की है, ये सारी में से कोई भी चीज, मतलब बोल रही हूँ 3 महीने में इनमें से कोई भी एक चीज आपने की है या सारी चीजें की है एज द केस में भी, तो तुम नहीं आ सकते हो। तो पिछले 3 महीने में तुमने किया क्या ऐसा कि तुम नहीं आ सकते हो? 3 महीने के बाद जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर 3 महीने के अंदर नहीं आ सकते अगर तुमने अपना नाम बदला है। क्यों बदल रहे हो नाम? अभी पिछले महीने तुमने नाम बदला और अब क्या बोल रहे हो, कंपनी को क्लोज कर दो। मतलब हो सकता है एक्स कंपनी ने लोन लिया, उसको कर दिया तुमने वाई कंपनी, अब उसको क्लोज करवा रहे हो, तो ये तो लूप होल है। तो ऐसा नहीं चलेगा। तुम अगर नाम बदल के अपने आपका एग्जिस्टेंस मिटाने की कोशिश कर रहे हो तो नहीं चलेगा। तो बोलते पिछले 3 महीने में नेम चेंज किया, या फिर तुमने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस ही चेंज कर दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अरे 3 महीने में तो अभी हुआ है, सामने वाले रजिस्टर्ड ऑफिस को भी तुम्हारा पूरा समझने में टाइम लगेगा कि कौन सा है, कहाँ से आया है, किस कारण से आया है, क्या। तुम 3 महीने में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया और उस नए वाले रजिस्टर्ड ऑफिस को बोल रहे मेरा कंपनी का नाम ही खत्म कर दो, तो ये भी नहीं चलेगा। या फिर कोई प्रॉपर्टी राइट, तुमने अभी 3 महीने हुए, तुमने अभी क्या किया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, हो सकता है फ्रॉड वाली प्रॉपर्टी बेच दी हो, या फिर लोन वालों की मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी तुमने बेच दी हो। सुमित, लोन वालों की मॉर्गेज की हुई प्रॉपर्टी तुमने बेच दी हो और तुम अब चाहते हो कि कंपनी का नाम हटा दे, तो नहीं चलेगा। या तो नाम बदला या जगह बदली, नाम बदला, जगह बदली या चीजें बेच दी, तीनों ही केस में नहीं चलेगा। तो बोलता है या फिर कंपनी जिस काम के लिए इनकॉर्पोरेट हुई वो तो काम करी नहीं है, अननेसेसरी कामों में उलझी पड़ी, मतलब बेमतलब की जो नेसेसरी चीजें होनी चाहिए वो तो नहीं कर रही है, दूसरे काम कर रही है, गैम्बलिंग में लगी, स्पेक्यूलेशन में लगी। तो अगर तुम स्पेक्यूलेशन में थे तो कहीं ना कहीं लॉसेस होंगे, तभी कंपनी को बंद करवा रहे हो। तो या तो नाम बदला या जगह बदली, नाम बदला, जगह बदली, या तो कुछ बेच दिया, या फिर इधर उधर के कामों में उलझे पड़े हो, मतलब हो सकता है कोई अननेसेसरी काम कर रहे हो जो तुम्हारे बिजनेस एक्टिविटी से कहीं ना कहीं रिलेट ही नहीं करता है। तो तुम समझ रहे हो, बहुत लॉजिकली तुम गलत ट्रैक पे हो तो ही हम तुमको रोक रहे हैं। या फिर कोई स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, अब पता चल गया कि ये कंप्लायंस नहीं हुआ तो इसका पेनल्टी बहुत भारी भुगतनी पड़ेगी, इससे पहले कंपनी बंद कर दो। तो हो सकता है ऐसा हो, तो या तो नाम बदला, जगह बदली या चीजें बेची, ठीक है, या फिर तुमने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस नहीं किया या अननेसेसरी एक्टिविटी में उलझा हुआ, तो रहने दो भैया, हम तुम्हारा बोलते कि तुम मत आओ हमारे पास। फिर तुमने अभी हमने देखा किसको, देखो अपन ने पढ़ा था कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, तुमने ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन की कि हमको कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाना है एंड मैटर हैज नॉट बीन फाइनली कंडक्टेड। अभी वहां पे खत्म भी नहीं हुआ मैटर, कॉम्प्रोमाइज का मतलब है क्रेडिटर्स से कॉम्प्रोमाइज करवाने जा रहे हो, तो तुम अभी तो वहां पे गए हो और भी वो मैटर वहां क्लोज भी नहीं हुआ और तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि कंपनी को बंद करना है। तो तुम समझो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और 249 को भी मिक्स करके एक क्वेश्चन बन सकता है कि कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करवाने के लिए गए और फिर एक और क्रेडिटर बोलता है यहाँ पे, या फिर कंपनी बोलती है कि हमको रिमूवल करवा देना चाहिए नेम ऑफ द कंपनी का। तो याद रखना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करने गए और फाइनली अभी कंडक्ट भी नहीं हुई चीज है, तो तुम अभी हमारे पास मत आओ, पहले होने तो दो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट। या फिर कंपनी वाउंड अप हो रही है, ऑलरेडी पता चल गया कि कंपनी वाउंड अप होगी, क्यों, क्योंकि देखो आईबीसी में होता है रेजोल्यूशन प्लान, तुम्हारा रेजोल्यूशन प्लान पास हुआ ही नहीं, पता है कंपनी यू भी वाइंड अप होगी। तो जब कंपनी यू वाइंड अप होगी तो पहले नाम क्यों रिमूव करवाने आ रहे, क्योंकि समझो वाइंड अप करने के टाइम तुम्हें जो भी बचा कुचा है सबको बांटना पड़ेगा, उससे पहले तुम चाहते हो तुम्हारा कंपनी का नाम ही एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाए, तो जब कंपनी खत्म हुई उसके आगे की लाइबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो ये नहीं चल सकता कि तुम कंपनी को खत्म करवाने आ जाओ, तो वाइंड अप हो रहा है मत आना, कॉम्प्रोमाइज के लिए गए हो अभी फाइनली कंडक्ट नहीं हुआ मत आना, नाम बदला है, जगह बदली है, अननेसेसरी एक्टिविटी कर रहे हो मत आना, या फिर लॉ का कोई कंप्लायंस किया है मत आना, या कोई प्रॉपर्टी बेची मत आना, और अगर आते हो तो 1,00,000 तक का पेनल्टी लगेगा ही तुमको, ठीक है। अब मैम हमने सपोज करो एप्लीकेशन विदड्रॉन बाय कंपनी और रिजेक्टेड बाय रजिस्ट्रार,
अब ऐसा हो गया कि सपोज करो हमने एप्लीकेशन दे दी और हमको चाहिए कि हम विड्रॉ कर ले कर सकते हो, वो कर सकते हो, या फिर हो सकता है तुमने एप्लीकेशन दे दी, रजिस्ट्रार भी कैंसिल कर सकता है। तो 248 रजिस्ट्रार भी कैंसिल करेगा, कंपनी भी। 249 कब नहीं हो सकता है कैंसिलेशन, दो सेक्शन। अब इसके बाद आता है हमारा 249 हो गया, 250। मैम होगा क्या जब कंपनी को क्या बोल दिया कि डिसॉल्व्ड कंपनी, अब बहुत हो गया, वो जो अच्छे सेक्शन थे वही दो थे, अब नॉर्मल सेक्शन चालू हो गए। मैम क्या होगा अगर कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाए? तो सीधी बात, अब तुम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन जो है ना, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कैंसिल हो जाएगा। हाँ भले ही तुम कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल होगा, लेकिन तुमसे जो लाइबिलिटी वगैरह हमको वसूलनी है ना, वो तो हम ले लेंगे। उसके लिए तुम हमारी कंपनी आज भी हो, अगर कोई ड्यूज है, कोई ड्यूज रिकवर करना है, तो स्टिल इट इज अ कंपनी। पर बाकी सारे ऑपरेशन के लिए अब कंपनी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, खत्म। फिर 251, तुमने फ्रॉडलेंट एप्लीकेशन की है, तुमने सपोज करो इन्होंने कहा था सारी लाइबिलिटी खत्म कर देना, तुमने दिखाया तो है कि सारी लाइबिलिटी खत्म कर दी, याद है कंपनी जाएगी तो पहले लाइबिलिटी खत्म करेगी, तुमने सारी लाइबिलिटी खत्म होने दिखाया है, नकली पेपर बैंक के बना के दिखा दिया कि बैंक को सारे पैसे दे दिए, बाद में पता चल रहा है तो फ्रॉड कर रहे थे तुम, किसी क्रेडिटर को फ्रॉड करने का इंटेंशन था, किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन लिखा है, इट्स नॉट ओनली क्रेडिटर, किसी को भी डिफ्रॉड करने के लिए ऐसा किया है। तो बोलते हैं कि अगर तुमने लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, किसी को डिफ्रॉड वगैरह करने के लिए किया है, तो आगे अब ये अपन सेक्शन पढ़ेंगे, 447 की पेनल्टी लगेगी तुमको, और वहां पे एक लिमिट है 10 करोड़ के आगे तुमको कंपल्सरी इम्प्रिजनमेंट हुई है। तो बोलते एक तो पनिशमेंट वहां लगेगी, रजिस्ट्रार चाहे तो अगर अमाउंट 10 करोड़ से कम है, वहां पे 3 करोड़ 10 करोड़ का लिमिट है, बोलते अगर उससे कम है तो उसको लगता है रजिस्ट्रार को नहीं ये बहुत ज्यादा गलत चीज करने की कोशिश है, तो भी प्रोसिक्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। और जो भी किसी पर्सन को लॉस हुआ है, तुम्हें वो लॉस भी उस पर्सन को देना पड़ेगा, और हर एक पर्सन जॉइंटली सेवरली लाइबल होगा। लॉजिकल है ना, तुम गलत कर रहे हो तो हर कोई भुगतेगा, तुम पे पनिशमेंट भी आएगी, और रजिस्ट्रार को लगता है जेल भेजना है तो जेल भेजा भी जाएगा तुमको। दैट इज 251, चार सेक्शन खत्म। लास्ट सेक्शन 252, ये इंपॉर्टेंट है अगेन। बोलते हैं देखो कई बार क्या होता है, कंपनी को तुम रिमूव करा रहे हो, हमें लगता है वापस से हमको क्या चाहिए, नाम रिस्टोर करना, या फिर जिस वक्त तुमने कंपनी का नाम रिमूव किया था ना अपनी मर्जी से रजिस्ट्रार, तुमको गलत फहमी हुई थी, अननेसेसरी कंपनी का नाम रिमूव कर दिया गया था, अब हम चाहते जिस दिन तुमने रिमूव किया था ना उस दिन सब कुछ सही था, तो ऐसे केस में कब क्या होगा? तो बोलता है कोई भी पर्सन ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है। अब ये वर्ड्स मैंने हाईलाइट इसीलिए कि एनी पर्सन मतलब अब इंस्टीट्यूट एनी पर्सन तो देगा नहीं, वो क्रेडिटर देगा, वो भाई देगा, बहन देगा, सिस्टर देगा, कुछ भी देगा, तो कोई भी पर्सन है, वो 3 साल के अंदर जब डेट ऑफ ऑर्डर आया, 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर की तुम्हारा रिमूवल होता है कंपनी का, नाम रिमूव कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन जा सकता है, या फिर खुद रजिस्ट्रार को लगा, हमारे रजिस्ट्रार को फीलिंग आ गई कि अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि गलत हो गया, नहीं रिमूव होना चाहिए था नाम, या फिर इंफॉर्मेशन सही नहीं थी जिसके बेसिस पे क्या हो गया, नाम रिमूव कर दिया, और ये जरूरी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्टोरेशन करना पड़ेगा नाम को, तो वो क्या बोलेगा, रिस्टोरेशन ऑर्डर दे देगा और कंपनी को एक फ्रेश सर्टिफिकेट इशू होगा। अब ये डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, मैंने बोला था ना ये याद रखना, ये नोटिफिकेशन जो तुमने पब्लिक गैजेट में दिया ये उसकी बातें होती है। तो 3 साल के अंदर तुम जा सकते हो, अगर खुद रजिस्ट्रार को लग रहा है नहीं नहीं भाई गलती हो गई, या फिर किसी पर्सन को लग रहा है कि नहीं हमारा हमने करवा दिया नाम कैंसिल, हमें तो वापस चाहिए, तो तुम भी खुद वापस से करवाने जा सकते हो, ये 3 साल वाली बात है। अब बोलता है अपील टू ट्रिब्यूनल, कंपनी करे, मेंबर करे, क्रेडिटर करे, वर्कमैन भी, देखो एनी पर्सन में वर्कमैन भी है, Who is aggrieved about the fact of strike off? अब ये aggrieved कब होंगे समझो, जब रजिस्ट्रार ने ही क्या किया है, कैंसिलेशन करवाया। अब बोलते हैं कि किसने एप्लीकेशन किया, कंपनी ने एप्लीकेशन की, मेंबर ने एप्लीकेशन की, क्रेडिटर ने, सपोज करो कंपनी गई,
ध्यान से सुनना, ये सेक्शन थोड़ा लगे। पहले तो रजिस्ट्रार ने अपनी मर्जी से क्या किया, तुमको शो कॉज नोटिस दिया, तुमने रिप्लाई नहीं किया, तुम्हारा रिप्लाई क्यों नहीं आया, सपोज तुम हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ भी हो सकता है, जेन्युइन रीजन था रिप्लाई नहीं आया, या फिर कंपनी ने खुद ने ही क्या किया, दिखा दिया 75% लोगों ने क्या किया है, हाँ की, और सपोज करो कुछ क्रेडिटर्स छूट गए थे, तो वो क्रेडिटर एग्रीव्ड हो गया कि भैया नेम ऑफ द कंपनी रिमूव कर दिया तुमने। तो अगर ये लोग एग्रीव्ड हैं एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गेजेट, अब 20 साल का टाइम है इनके पास, ये क्या करेंगे, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई होता है कि जिस टाइम कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ किया था वहां ऑपरेशन सब सही चल रहा था, तो यहाँ पे वो सिर्फ इस केस में कि जब कोई पर्सन एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड वाला बंदा बोल रहा है मेरे को ये तुमने स्ट्राइक ऑफ करा, उस टाइम सब चीजें सही थी, मैं एग्रीव्ड हो रहा हूँ, तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए सिर्फ नाम, उसके लाइबिलिटी वापस रिकवर करवाने के लिए या असेट लेने के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए क्या होगा, रिस्टोर होगा। यहाँ पे इन जनरल कंपनी का नाम पूरा रिस्टोर हो रहा है, यहाँ पे कोई पर्सन एग्रीव्ड है और उसके एग्रीव्ड चीज वो रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तब फिर 20 साल का यहाँ पे क्या मिलता है, टाइम मिलता है कि पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, वहां से 20 साल का टाइम है, जब चाहो तब आना हमारे पास। तो यहाँ पे तुम्हारा रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, जैसे ही कंपनी का नाम तुम्हारा रिमूव होता है तो क्या होता है, रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, अदर पर्सन से क्या बोलेगा, देखो तुम्हारा नाम रिमूव हो रहा है लेकिन जब जब लगेगा असेट रियलाइज करनी है, लाइबिलिटीज रियलाइज करनी है, तब के लिए तो अभी भी तुम्हारा नाम कंटिन्यू रहेगा। तो चाहे किसी भी रीजन से रिमूव हुआ नाम, रजिस्ट्रार ने करा खुद से या फिर कंपनी गई कि मेरा नाम रिमूव कर दो, पर द केसेस रजिस्ट्रार पहले ही बोल देगा हम असेट रियलाइज कर सकते हैं बाद में भी, लाइबिलिटी भी तुमसे पे करवा सकते हैं, वो कंटिन्यू रहेगी, वो चीजें कंटिन्यू रहेगी, बाकी नेम ऑफ द कंपनी क्या हो जाता है, स्ट्राइक। एक सुपर क्विक 2 मिनट में रिवीजन दे रही हूँ। 248 बोलता है रजिस्ट्रार भी कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है, रजिस्ट्रार के पास 4 रीजन है, कंपनी के पास 2 रीजन है। रजिस्ट्रार का रीजन है 1 साल हो गया इनकॉर्पोरेशन के बाद, तुमने बिजनेस कमेंस नहीं किया, हमने फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाके, हमने देखा कोई बिजनेस नहीं चल रहा। तीसरा, अगर तुमने क्या नहीं किया है, पिछले 2 सालों में कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे हो, डोरमेंट कंपनी के लिए तुम अप्लाई भी नहीं कर रहे हो। और चौथा, सब्सक्राइबर टू मेंबर ऑफ द एसोसिएशन, पेमेंट नहीं कर रहे हो और 180 डेज में तुमने हमें ये बताया भी नहीं। फिर कंपनी कब जा सकती है, तो 1 साल में इनकॉर्पोरेशन नहीं करती है, पिछले 2 साल में उसने बिजनेस ऑपरेशन चालू नहीं किया और डोरमेंट कंपनी होने की बातें भी नहीं की, तो जा सकती। रजिस्ट्रार के पास कोई कंडीशन नहीं कि ये फुलफिल करोगे तभी स्ट्राइक ऑफ करना, वो तो सीधे शो कॉज नोटिस देगा, या तो तुम अच्छे से बताओगे या तो नहीं बताओगे, वो ऑफिशियल गैजेट में लिख देगा। पर कंपनी जाएगी तो पहले लाइबिलिटीज खत्म करेगी, अप्रूवल लेगी, या तो स्पेशल रेजोल्यूशन या 75% वैल्यू ऑफ दी जिन्होंने पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड किए वो लोग, इशूड मत लिखना, सिर्फ पेड अप है, इशूड सिर्फ प्रिवेंशन ऑपरेशन वाले चैप्टर में आएगा तुम्हारा। फिर या उसके साथ तुम्हें रेगुलेटरी अथॉरिटी की परमिशन लेनी है तो वो लेख के तुम आओ, लेकिन ये सेक्शन 8 कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन आ जाए सेक्शन 8 कंपनी और बोल दे कि उसने लाइबिलिटीज कंप्लाई नहीं की तो मत अप्लाई करना, याद रखना सेक्शन 8 के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी तमाम कंपनियों के लिए ये एप्लीकेबल है। कब नहीं जा सकते, नाम चेंज किया पिछले 3 महीने में, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया, या फिर कुछ डिस्पोज ऑफ किए प्रॉपर्टी, या तो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस तुमने पूरे नहीं किया, अननेसेसरी एक्टिविटी में, या कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट किया है और अभी वो फुलफिल भी नहीं हुआ, या फिर ऑलरेडी वाइंड अप होने वाला है तो फिर क्यों आ रहे हो। फिर इसके बाद आता है कि जैसे ही डिस्पोज ऑफ हो जाएगा नाम तो कैंसिल हो जाएगा सर्टिफिकेट और तुम कोई ऑपरेशन नहीं कर पाओगे, हाँ लेकिन तुमसे अमाउंट रियलाइज अभी भी किया जा सकता है। तुमने फ्रॉड किया है तो सारे जॉइंटली लाइबल रहेंगे, उन पे 447 की पनिशमेंट लग सकती है, और अगर भले 447 की पनिशमेंट में इम्प्रिजमेंट नहीं लग रहा हो लेकिन रजिस्ट्रार को लगता है कि नहीं इसके साथ प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, तो रजिस्ट्रार अपने डिस्क्रिशन पे प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करवा सकता है। 3 साल के अंदर लगता है खुद किसी भी पर्सन को या ट्रिब्यूनल को रिस्टोरेशन करवाना है तो वो रिस्टोरेशन करवा सकता है, लेकिन कोई कंपनी या फिर मेंबर या क्रेडिटर या वर्कमैन एग्रीव्ड है तो एग्रीव्ड होने के बाद वो 20 साल के अंदर अपने काम के लिए बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए क्या करो, कंपनी का नाम रिस्टोर करो, तो ऑफिशियल गैजेट से 20 साल के अंदर हो सकता है। फिर से 5 मिनट्स का गैप, एक बार गो थ्रू करना कर लो, फिर अब प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन है वो करके फिर क्लोज करेंगे।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। अब आते हैं प्रिवेंशन एंड ऑपरेशन पे। चैप्टर बहुत इजी है पर इसके जवाब भी मैं तुमको क्वेश्चन की शीट दूंगी, जो एडजस्टमेंट शीट जिसको अपन बोलते हैं। तुमको पता है क्या समझ में आएगा? क्वेश्चन पता है कहाँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछा है? सिर्फ और सिर्फ उसने 244 पे। अधिकतर क्वेश्चन उसके 244 के ऊपर है। बाय चांस कोई क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पे आते हैं कि भैया ट्रिब्यूनल के पास पावर क्या क्या है, वो क्या क्या डिसीजन दे सकता है। अदरवाइज कुछ भी चीजें नहीं है इस चैप्टर में। जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें सबसे पहले तुम्हें जज करना है क्या ये ऑपरेशन है। अगर ऑपरेशन है तो डायरेक्ट पूछता है कि क्या इतने लोग जा सकते हैं, मतलब ले दे के आधे से ज्यादा टाइम तो क्वेश्चन यही है कि तुमको डायरेक्टली दे दिया, तुम जज करो भैया ऑपरेशन है या नहीं है। अगर ऑपरेशन है तो कितने लोग जा सकते हैं, इतने लोग जा सकते हैं या नहीं जा सकते। बार बार तुम्हें 244 ही अप्लाई करना है उसके अंदर। अब कहीं पे नहीं दिया ऑपरेशन क्या होता है, कहीं भी नहीं दिया। ये सारी केस स्टडी है जो इतने सारी यहां से लिखना चालू की मैंने, ये सारी क्या है, यहां से केस स्टडी की लिस्ट है। इसके बेसिस पे हमको यहां तक पता चलता है कि भैया ऑपरेशन है क्या। तो सबसे पहला अगर मैं बोलूं ऑपरेशन के बारे में, तो ऑपरेशन हमेशा 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 इन द पावर ऑफ शेयर होल्डर होता है। शेयर होल्डर्स के ऊपर ऑपरेशन होता है, डायरेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन नहीं होता। तुम गलत कर रहे हो तो ऑपरेशन मींस इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर कोई ऑपरेशन हो रहा है तब वो ऑपरेशन है, उसके अलावा नहीं है। तो मैम फिर मिसमैनेजमेंट क्या होता है? चलते हैं थोड़ा सा डायरेक्टर के ऊपर मिसमैनेजमेंट समझने के लिए। जब तुमने सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 34 पढ़ा था, डायरेक्टर की डेफिनेशन बताई थी। फिर उसके बाद डेफिनेशन किस चीज की बताई थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं। तो वहां क्या लिखा था? वेयर द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट कलेक्टिवली। वर्ड क्या था? एक्ट कलेक्टिवली। तो वेयर द ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स या फिर बॉडी ऑफ द डायरेक्टर एक्ट कलेक्टिवली, ये वर्ड लिखा था कि जब वो कलेक्टिवली एक्ट करते हैं उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है। अब ये कलेक्टिवली का अपने आप में मीनिंग है। कलेक्टिवली मतलब अगर एक डायरेक्टर का डिसीजन यस है और दूसरे का भी डिसीजन यस है तभी कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। एक बोल रहा है ना, दूसरा बोल रहा है हाँ, दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, मतलब ये कलेक्टिवली वर्क कहाँ कर रहे हैं? दे आर नॉट वर्किंग कलेक्टिवली, डिस्प्यूट चल रहा है। तो जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिस्प्यूट आता है, उनकी आपस में ही नहीं बन रही है, डिस्प्यूटेड चल रहा है, उसे बोलते हैं हम मिसमैनेजमेंट। उस कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है? मिसमैनेजमेंट। बट द टॉपिक ऑफ मिसमैनेजमेंट तुम्हारे इसमें देख ही नहीं रखा, सिर्फ नाम है मिसमैनेजमेंट ये होता है। और ये नाम उठ के आता है तुम्हारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन से कि वो कलेक्टिवली वर्क करेंगे, और जहां वो कलेक्टिवली वर्क नहीं करते दैट चैप्टर ओपन्स, वो होता है मिसमैनेजमेंट। अब सबसे पहले ये सब पढ़ाने की जगह मैं जाती हूँ किसके ऊपर, ये सारी चीजें पढ़ाने से पहले मैं डायरेक्ट आती हूँ कहाँ पे, मीनिंग समझाने पे, क्योंकि मीनिंग समझ में आएगा तभी तो समझ में आएगा ऑपरेशन वगैरह होता क्या है। देखो भाई, जमाना वो था कि कुछ भी करना हो कंपनी में, कुछ भी अगर कंपनी में करना हो तो मेजॉरिटी रूल एप्लीकेबल होता था। अगर कोई भी चीज क्या करनी है कंपनी में करनी है तो मेजॉरिटी ने हाँ की, मतलब 51% लोग हाँ करते हैं तो ये बात बनती थी। तो वहां पे कोई सपोज करो दो शेयर होल्डर्स बड़े एग्रीव्ड है, उनके शेयर छीन लिए गए, उनके राइट्स छीन लिए गए, डिविडेंड सबको बांट रहे उनको नहीं दे रहे, तो ये तो एग्रीव्ड हो रहे हैं। अब ये दो शेयर होल्डर्स जाते हैं एनसीएलटी के पास और बोलते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, एनसीएलटी बोलता है मेजॉरिटी रूल। अब ऐसे तो इनका कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था, ये करेंगे क्या बेचारे। तब फोर्स वर्सेस हर बॉटल ये मेजॉरिटी रूल पे चलता था, फोर्स वर्सेस हर बॉटल मेजॉरिटी रूल के लिए ही था। फिर उसके इन्होंने क्या किए, एक्सेप्शन लाना स्टार्ट किए, समझा लोगों को कि हाँ अगर माइनॉरिटी पे कुछ क्या हो रहा है गलत हो रहा है तो फिर उनका प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है, नहीं तो माइनॉरिटी बनेगा कौन। ठीक है, तो ठीक है, फिर इसके बाद अभी आते हैं कि ये फोर्स वर्सेस हर बॉटल में लिखा क्या है।
इसके एक्सेप्शन में पहला बोला है, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट कर रहे हो जो इलीगल है। भाई देखो भाई, इलीगल एक्ट तो कभी भी तुम रेटिफाई नहीं कर सकते, चाहे तुम मेजोरिटी रूल बोलो या माइनॉरिटी रूल बोलो, कोई भी इलीगल एक्ट भले ही एक एक मेंबर ने बोला हो कि यस 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 यस, तो पहला एक्सेप्शन टू द मेजोरिटी रूल, भले ही 100% हाँ कर रहे हो, बोल रहे हमको तो कोई क्या नहीं हो रहा है, ऑपरेशन हमारे लिए नहीं हो रहा है, तो भी उसने बोला है, भले ही 100% लोग भी हाँ बोलेंगे, लेकिन एक इलीगल एक्ट कभी भी रेटिफाई नहीं किया जा सकता। यहाँ ऑपरेशन नहीं है, पर ये चल रहा है मेजोरिटी का एक्सेप्शन, भले ही मेजोरिटी भी हाँ बोलेगी किसी चीज के लिए, अगर वो इलीगल है तो वो इलीगल है, वो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। रेटिफाई मतलब लीगल प्रूफ नहीं कर सकते तुम कि सब सही चल रहा था। दूसरा, फ्रॉड ऑन माइनॉरिटी, जब क्या कर रहा है, मेजोरिटी मिसयूज कर रहा है अपनी पावर को और माइनॉरिटी को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। 80% लोगों ने बोल दिया क्या कि अब जबरदस्ती क्या करना पड़ेगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर को, 5,000 का शेयर हमको 1,000 रुपए में देना पड़ेगा, हमने मेजोरिटी ने पास कर दिया ये रूल। तो मेजोरिटी कैन नॉट मिसयूज द पावर, भले ही मेजोरिटी थी, देखो एक्सेप्शन, भले ही मेजोरिटी ये कर रही है, लेकिन अगर किसी को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रही है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ मेजोरिटी रूल नहीं चलता। सारे के सारे हाँ करेंगे, इलीगल एक्ट है, नहीं चलेगा। फिर उसके बाद भले ही मेजोरिटी बोल रही है और माइनॉरिटी के पावर्स को छीनने की कोशिश कर रही है, तब भी मेजोरिटी रूल नहीं लगेगा, ठीक है। फिर तीसरा बोलते क्या कि एक्चुअल में कंपनी के नाम पे डाइवर्जन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम कंपनी टू अनदर, ये हमारी कंपनी है, ये भी हमारी कंपनी है, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मेजोरिटी होल्ड करते हैं, यहाँ पे भी हम ही मेजोरिटी होल्ड करते हैं। हमने क्या किया, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस कंपनी में डाइवर्स कर दिया, क्यों, ताकि इस कंपनी के जो माइनॉरिटी होल्डर्स है उनको बोल सके कि प्रॉफिट इतना है ही नहीं, तुम्हें डिविडेंड क्या बांटेंगे हम। तो यहाँ भी ये माइनॉरिटी मेजोरिटी थे, यहाँ भी ये मेजोरिटी थे, इस कंपनी में लेके खुद ने क्या कर लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो बोलते ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम प्रॉफिट डाइवर्स कर रहे हो और दोनों कंपनी में तुम ही शेयर होल्डर हो मेजोरिटी वाले, तो ये तो सीधी सी बात है, तुम जानबूझ के डाइवर्जन दिखा के दूसरे वाले माइनॉरिटी को क्या नहीं देना चाहते, उसका बेनिफिट नहीं देना चाहते। तो ये भी यहाँ पे भी भले ही मेजोरिटी हो, तुम यहाँ भी मेजोरिटी, तुम यहाँ भी मेजोरिटी, तुम दोनों ने डिसीजन लिया होगा, दोनों कंपनी ने मेजोरिटी से डिसीजन लिया, ये मेजोरिटी रूल नहीं चलेगा, इट इज एक्सेप्शन टू फोर्स वर्सेस हर बॉटल। अभी तक हमने क्या किया, इलीगल इलीगल कोई रेटिफाई नहीं होगा, तुम जान मुझ के ऐसी पावर कर रहे हो कि तुम माइनॉरिटी की पावर को मिसयूज कर रहे हो, ये भी नहीं चलेगा। फिर उसके बाद तुम प्रॉफिट को डाइवर्सिफाई कर ही क्यों रहे हो, तुमको प्रॉफिट को डाइवर्सिफाई इसलिए करना है क्योंकि उधर भी तुम ही मेजोरिटी वाले हो, ये भी नहीं चलेगा। या फिर तुम ऐसा कोई रूल पास कर रहे हो जिसमें कंपल्सरी एक्विजिशन करने की कोशिश कर रहे हो, माइनॉरिटी, यहाँ लिखा है माइनॉरिटी शेयर होल्डर, I will give you again, ठीक है। तो कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहे हो शेयर होल्डर्स जो माइनॉरिटी वाले, जानबूझ के बस ऐसा रूल पास कर दिया कि हम तो कंपल्सरी एक्वायर करें। अरे भैया, लैंड कंपल्सरी एक्वायर होती है, असेट कंपल्सरी एक्वायर होती है, वो भी गवर्नमेंट करती है, तुम कोई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑर्डर नहीं कर सकते मेजोरिटी मिलके। तो दिस आर ऑल द एक्सेप्शंस टू मेजोरिटी रूल, कि भले मेजोरिटी ने बोला है फिर भी ये सारे काम नहीं चलेंगे, तुम किसी की पावर, कोई इलीगल चीज, कोई डाइवर्जन नहीं कर सकते हो। ये सारा क्या था, मेजोरिटी रूल का एक्सेप्शन। फिर बोलता है मेजोरिटी ने डिसाइड किया कोई असेट 100 करोड़ की थी, अपने रिश्तेदार को तुम क्या कर रहे हो, सपोज करो उसको 50 करोड़ में दे रहे हो, अंडर वैल्यूड, भले मेजोरिटी हाँ कर रही है, बट यू कैन नॉट डू इनजस्टिस टू द कंपनी। क्यों इनजस्टिस टू द कंपनी, तुमको अगर डायरेक्टर का फिर से चैप्टर याद दिलाऊं तो सेक्शन नंबर 166 है डायरेक्टर में। सेक्शन नंबर 166 बोलता है फेथफुली तुम्हें कंपनी के लिए काम करना है एंड डायरेक्टर इज एन एजेंट टू द कंपनी। तो तुम कंपनी के फेथ में काम करोगे, उसके इंटरेस्ट में काम करोगे, तुम एजेंट कंपनी के हो, और तुम एज ए कंपनी का एजेंट होके जो चीज 100 करोड़ की तुम 50 करोड़ में बेच रहे हो, तो ये मेजोरिटी रूल नहीं चलेगा यहाँ पे, भले ही सारे के सारे भी हाँ कर दे तो भी नहीं चलेगा। या फिर तुम क्या कर रहे हो, किसी के पर्सनल राइट्स जो हैं, शेयर होल्डर का राइट था एक वोट एक शेयर, तो उसका राइट है ना दोनों, उसको तुम उसके राइट को इन्फिगर करने के लिए कुछ क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो, यहाँ पे भी तुम्हारा मेजोरिटी रूल नहीं चलेगा। तुम समझ रहे हो, गलत करने की कोशिश कर रहे हो सब लोग मिलजुल के मेजोरिटी पे, ये नहीं चलेगा। तो तुम मिलके सारे लोग भी क्या करो ये काम करो तो भी नहीं चलेगा।
फिर बोलता है मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट खुद के नाम पे कर लिया। हम पांच डायरेक्टर थे, चारों ने क्या किया, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पहली चीज, डायरेक्टर आर एजेंट टू द कंपनी, कंपनी के लिए उनको काम करना है, उन्होंने चलो अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट किया। अब सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि कंपनी में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तुम ही तो कंपनी चलाने वाले हो। तुम डायरेक्टर चैप्टर पे बार बार वापस जाओ, डायरेक्टर चैप्टर क्या बोलता है, माइंड ऑफ द कंपनी कौन है, डायरेक्टर। डायरेक्टर अपने नाम पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट आया था। सपोज रिलायंस का क्या आया, कॉन्ट्रैक्ट आया, रिलायंस ने उसके डायरेक्टर ने अपने पर्सनल नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अब वहीं पे बैठ के क्या है, रिजोल्यूशन कंपनी में पास कर रहे कि कंपनी का इसमें कोई राइट नहीं है, ये हमारा पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये ऐसी चीजें नहीं चलेंगी, भले ही मेजोरिटी चल रहा है, मेजोरिटी है स्टिल ये गलत है। तो चाहे इल्लीगल काम हो, किसी के राइट को तुम मिसयूज कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बहुत सस्ती सेल कर रहे हो, या फिर किसी के पर्सनल राइट को इनफिगर कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, ऐसा रिजोल्यूशन पास कर रहे हो कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को अपना कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, नहीं चलेगा। मेजोरिटी रूल सब जगह पिट जाएगा तुम्हारा। यहाँ तक समझ में आया? तो इट इज मोर ऑफ अ जनरल रीडिंग, ये एक्चुअल में कुछ नहीं याद करना है तुमको, ये जनरल रीडिंग है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन इसमें से ही कुछ भी दे देंगे। जब मैं फैक्ट्स बोल रही हूँ, सबसे पहले तुमको बताना, हाँ ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन है तो 244 इतने इतने लोग जा सकते हैं, और क्या उतने लोग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तुम्हें बस वो बताना होता है। तो सबसे पहले तो हमने देखा मेजोरिटी रूल का एक्सेप्शन, अब आते हैं हम किस पे, अब ये फैक्ट्स बताएंगे। देखो ऑपरेशन कहीं नहीं दिया कि ऑपरेशन क्या होता है, ये सारे फैक्ट्स जो लिस्ट आउट है ये सिर्फ ऑपरेशन बताते हैं कि ये सारी चीजें ऑपरेशन होती हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशन मतलब, सबसे पहले ये इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर होना चाहिए भैया, डायरेक्टर की कैपेसिटी में ऑपरेशन नहीं होता, जो फर्स्ट पॉइंट हमने पहले ही किया। इट शुड बी इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर, इट कैन नॉट बी इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर। फिर इट्स नेसेसरी दैट एक्ट कंप्लेन मस्ट कंटिन्यू, मतलब सन 2012 में, इन द ईयर 2012 की बात कर रही हूँ, उस वक्त तुमने क्या किया था, डिविडेंड बांटा था। आज एक शेयर होल्डर को याद आ रहा है 2012 में सबको डिविडेंड मिला था, मुझे रहने दिया, अब वो बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, ऑपरेशन के लिए जाना है। क्या अब तक वो कंटिन्यू हो रहा है उसका इफेक्ट, डिविडेंड 2012 का था, 2012 का डिविडेंड तब जाते ना, जब सबको दिया और तुमको नहीं दिया तो तुम ऐसा गलत किया। हाँ सबको ही नहीं दे रहे होते तो चॉइस ऑफ कंपनी है, वो तो लॉ ही बोलता है कि तुम्हारी चॉइस है, बट सबको दिया तुमको नहीं दिया तो फिर जाते। पर अब जा रहे हो, 10 साल बाद तुम्हारी बत्ती जल रही है, दिमाग चल रहा है कि हमको जाना था, नहीं, इट शुड बी एन कंटिन्यूड एक्ट। लेकिन अब समझना, वही 2012 में डिविडेंड तो बटा था, ठीक है, साथ में बोनस शेयर्स भी गए थे, उस वक्त बोनस शेयर्स भी दिए थे और तुमको ही अकेले को उन्होंने बोनस शेयर नहीं दिए। अब तुमको याद आ रहा है, यार उस वक्त कम से कम मेरे को बोनस मिलता ना तो 4000 शेयर और मिलते मुझे एज अ बोनस, अब याद आ रहा है मेरे को तो दिए ही नहीं उन्होंने। अब उसका इफेक्ट क्या यहाँ तक कंटिन्यू हो रहा है, हाँ, क्योंकि उन 4000 शेयर्स पे तुमको डिविडेंड आज तक नहीं मिल रहा। तो देट शुड बी अनकंटिन्यूड एक्ट, वो कंटिन्यू होने वाला एक्ट होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूड एक्ट है तभी तुम बोल सकते हो कि जाओगे तुम ऑपरेशन पे, तो यहाँ पे लिखना वो बोनस वाला केस, कि बोनस अगर तुम्हें वहां नहीं मिला है तो इसका मतलब यहाँ तक अभी तक उसकी चीजें चलती आ रही हैं। मैम अगर वहां राइट शेयर की बात करें तो राइट शेयर की बात है, अगर तुमको वहां राइट शेयर नहीं मिला, सस्ते में मिलना चाहिए था, तुमको राइट नहीं दिया, तो अब वो तो तुम पे डिपेंड करता फिर कि तुम लेते या नहीं लेते। अगर उसका इफेक्ट यहाँ तक आ रहा है कि तुम उस वक्त लेना चाहते थे तो तुम कंप्लेन करो। इन शॉर्ट जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ उसका एक्ट पास्ट में हुआ है तो प्रेजेंट तक कंटिन्यू होना चाहिए, पास्ट में होके पास्ट में ही चीजें खत्म हो गई तो फिर मत आना हमारे पास। तो ऑपरेशन मेंबर्स की कैपेसिटी में, ऑपरेशन मेंबर्स की कैपेसिटी में, और ऑपरेशन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूइंग नेचर का होना चाहिए। अब और क्या हो सकता है,
तुमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो किसी के साथ जिससे तुम क्या कर रहे हो, लिख रहे हो आर्टिकल या एग्रीमेंट में कि कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट करने मत जाना। मतलब मैंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया, मैंने कहा कि बाय चांस कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी आगे निकल जाए कि तुम्हारे साथ गलत होता दिखे तो हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में है कि तुम एनसीएलटी के पास नहीं जा सकते। तो भाई ऐसी चीजें तो तुम कर नहीं सकते। तो बोलते अगर तुमने आर्टिकल में ही ऐसा लिख दिया कि हमारी कंपनी जब जब क्या करेगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कभी भी ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में कोई नहीं जा सकता, शेयर होल्डर्स को राइट नहीं है, तो ऐसे प्रोविजन चाहे तुम आर्टिकल में लिखो चाहे एग्रीमेंट में लिखो, दैट आर वॉइड, शुरू से ही वॉइड है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, दैट इज अगेन ऑपरेशन। देन क्लियरली दिख रहा है, क्लियर विजिबिलिटी है कि फेयर डीलिंग नहीं हो रही है, जब सामने सामने साफ दिख रहा है कि सबको तुमने डिविडेंड बांटा, चार लोगों को डिविडेंड तुम तीन साल से दिख रहा है कि दे ही नहीं रहे हो, तो जब क्लियर विजिबिलिटी है कि तुमने जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा किया। तुम मीटिंग चैप्टर पे जाओगे, मीटिंग चैप्टर बोलता है जब बोर्ड मीटिंग होती है तो कंपलसरी सारे डायरेक्टर्स को तुमको क्या देना है, नोटिस देना ही पड़ेगा, चाहे वो खुद मना कर दे कि मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, तो वो मना भी कर दे पर तुम्हें क्या देना पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा नोटिस। पर हम देख रहे हैं कि हर बार ये दो डायरेक्टर्स को तुम देते ही नहीं हो नोटिस, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जबकि वो, पांच इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लेकिन तीन को ही नोटिस जाता है, दो को जाता ही नहीं है, ऐसा क्यों? जब सीधे सीधे दिख रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्लियर विजिबिलिटी है कि फेयर डीलिंग नहीं चल रही है तुम्हारी, ये ऑपरेशन है। तो ये सब केस स्टडी के पॉइंट्स है कि कब कब ऑपरेशन कहा जा सकता है, ऑपरेशन कहा जा सकता है, तुम किसी को फोर्स कर रहे हो कोई काम करने के लिए, वो चाहता भी नहीं और फोर्स कर रहे हो कि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे साथ ये कर देंगे, तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे को ये नहीं देंगे, तो फोर्सिंग समवन फॉर अ रिस्की ऑब्जेक्ट, ये भी ऑपरेशन है। फिर उसके बाद हरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक इलीगल एक्ट जरूरी नहीं है ऑपरेशन हो, पर एक लीगल एक्ट कभी ऑपरेशन नहीं होता, मतलब हर एक इलीगल एक्ट जरूरी नहीं है ऑपरेशन हो, पर एक लीगल एक्ट तो कभी ऑपरेशन होता ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है, ये अच्छी चीज है, इसको ध्यान से समझो। बोलता है हर एक लीगल एक्ट, ये है मेरा लीगल एक्ट, तो लीगल एक्ट इज नॉट इक्वल टू ऑपरेशन, लीगल एक्ट कभी भी ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। इसका मतलब क्या है, ये है हमारे डायरेक्टर, ठीक है, हमने क्या किया, इन डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 169 डायरेक्टर का। जब कंपनी एक्ट में लिखा है कि तुम चाहो तो किसी डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हो, सेक्शन 169 ने लिख के दिया है, तो फिर जब लीगली तुम रिमूव कर रहे हो तो ये ऑपरेशन थोड़ी ना है, लीगली रिमूव किया जा सकता है। 12 महीने तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अटेंड नहीं की, वैकेंसी होती है, ये लॉ में लिखा है, तो अगर तुमने 12 महीने मीटिंग अटेंड नहीं की, वैकेंसी होती, तो वैकेंसी होती है, वो लीगल है, इसे तुम ऑपरेशन नहीं बोल सकते, किसी सूरत में ये ऑपरेशन नहीं है। कंपनी डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर रही तीन सालों से, तीन सालों में नहीं डिक्लेयर करना, और खुद कंपनी एक्ट में लिखा है कि डिविडेंड देना नहीं देना कंपनी की चॉइस है, तो उसने वो चॉइस लिया कि अभी उसे डिविडेंड नहीं देना है, तो ये ऑपरेशन नहीं है, ये सारी चीजें लीगल है, तो लीगल कभी भी ऑपरेशन नहीं होता, ये पॉइंट नंबर वन। लेकिन हर एक चीज जो इलीगल हो, हर एक चीज जो इलीगल हो वो भी ऑपरेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मैम अभी तो आपने कुछ बोला था, हर इलीगल चीज को रेटिफाई नहीं कर सकते, रेटिफाई मतलब उसको लीगल प्रूफ नहीं कर सकते, मेजोरिटी भी अगर बोले कि इलीगल चीज कर रहे हैं हम तो भी वो लीगल नहीं बन सकती, वो मेजोरिटी रूल का एक्सेप्शन है। यहाँ बोल रहे हर एक इलीगल चीज ऑपरेशन नहीं होता, मतलब मेरे को कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, ठीक है, ये एक पर्सन है, मेरे को पता है कि यही मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, मैंने उसको 50 करोड़ का ब्राइब दे दिया, ब्राइब देना तो इलीगल है। कंपनी है, मुझे मेरी कंपनी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मैंने इस पर्सन को 50,000 का क्या दे दिया, ब्राइब दे दिया, हाँ है इलीगल, पर क्या ये किसी शेयर होल्डर के अगेंस्ट में गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं गया उनके अगेंस्ट में। तो हर इलीगल चीज ऑपरेशन हो ये जरूरी नहीं है, पर लीगल चीज कभी ऑपरेशन ही नहीं होती, भले वो किसी के अगेंस्ट में गई हो। मैम यहाँ कैसे डायरेक्टर को रिमूव किया, क्यों, डायरेक्टर शेयर होल्डर भी तो होता है,
डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर भी होता है, उसको रिमूव कर दिया तो वो ये नहीं बोल सकता मेरे साथ ऑपरेशन हो गया। लीगल चीज कभी ऑपरेशन नहीं होती है। आया समझ में? तो वही चीज यहाँ पे लिख के रखिए कि हर एक इलीगल चीज जरूरी नहीं ऑपरेशन हो। तुम पामला का एक्ट कर रहे हो, किसी का मर्डर कर रहे हो, जाके डायरेक्टर ने क्या किया, जो शेयर होल्डर है डायरेक्टर जाके मर्डर कर रहा है, कर दे, लेकिन उससे किसी स्मॉल शेयर होल्डर को दिक्कत थोड़ी ना हो रही है। तो यहाँ पे हर एक इलीगल चीज जरूरी नहीं ऑपरेशन, और हर लीगल चीज कभी ऑपरेशन होती नहीं। ठीक है मैम, जरूरी नहीं माइनॉरिटी पे ही ऑपरेशन होगा, नहीं मेजोरिटी पे भी हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी ही जाएगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, मेजोरिटी भी जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलता है मैम शेयर होल्डिंग चेंज हो रहा है, लेकिन आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं है। सपोज करो यहाँ पे क्या हुआ, 5 डायरेक्टर थे, 5ों के पास 20% था। एक दिन 2 डायरेक्टर्स क्या थे, एबसेंट थे, या फिर समझो 1 डायरेक्टर ही चलो अपना क्या है, एबसेंट है। हमारे कितने डायरेक्टर्स थे, 5 डायरेक्टर्स थे, 5ों के पास 20% रखा था, ये 20, ये 20, ये 20, ये 20 और ये भी 20। इनमें से हमारा ये डायरेक्टर आया नहीं मीटिंग में, और हमने देखा प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला कॉन्सेप्ट देखा। अब क्या हुआ, ये नहीं आया और ये तीनों ने टीम बना ली, इन्होंने कोई रूल पास कर दिया, जबकि पता था वो रूल ना इसके लिए सही है ना इसके लिए सही है। तुमने शेयर होल्डिंग का पैटर्न ही चेंज कर दिया, तुमने यहाँ आए और रूल बना दिया और शेयर होल्डिंग का पैटर्न ही चेंज कर दिया। बोलता है कि हम अलॉट करते कि अब हमको 33% मिल जाएंगे। ये तो बेचारा वोट भी करता तो कुछ हो नहीं सकता था, ये आया नहीं, ये वोट करेगा इसका काउंट नहीं होगा, ये तो मेजोरिटी आ गई यहाँ पे। तो तुम शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज कर रहे हो, म्यूचुअल डिस्कशन कुछ नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली ये बेचारे क्या हो गए, मेजोरिटी से जो उनका एक इक्वल राइट था वो राइट ही खत्म कर दिया तुमने। तो बोला ना कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे माइनॉरिटी को इफेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे कर रहे हो कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, ये ऑपरेशन है, ये क्या है उसके ऊपर ऑपरेशन है। या फिर तुम शेयर कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, शेयर कैपिटल इंक्रीज करो जबकि देखा जाए तो फंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग को मेजोरिटी बनना था तो जान मुझ के क्या किए, कंपनी के डायरेक्टर ही दिमाग चलाता है कंपनी में, उसने जानबूझ के पहले क्या किया, शेयर्स इशू कर रहा है और खुद ही शेयर्स इधर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। पहले 30% शेयर्स थे, अब उसने शेयर्स खरीद के अपने नाम पे कर लिए कितने, 50%। तो वो जानबूझ के क्या कर रहा है, शेयर्स इशू कर रहे हैं जबकि कोई कहीं से कहीं तक फंड रिक्वायरमेंट है ही नहीं कंपनी को। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं, ये ऑपरेशन है। या फिर तुम क्या कर रहे हो, जान मुझ के और एडिशनल डायरेक्टर क्यों अपॉइंट कर रहे हो, क्योंकि किसी का क्या है, मेजोरिटी पावर है, उसकी पावर को खत्म करने के लिए डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब डायरेक्टर आएगा पावर बढ़ती जाएगी। तो तुम जान मुझ के अगर ऐसा करने की कोशिश करो, रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है एडिशनल डायरेक्टर की। जब एडिशनल डायरेक्टर पे जाओगे वो क्यों आता है, एक्सपर्ट आता है, इंश्योरेंस में एक्सपर्ट, किसी भी चीज का एक्सपर्ट होता है एडिशनल डायरेक्टर। तुम बुलाए ही इसे रहे हो ताकि क्या हो, मेजोरिटी वाला थोड़ा उसकी पावर कम 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 होती जाए, तुम्हारी टीम बढ़ा रहे हो, ये एडिशनल डायरेक्टर तुमसे मिले हुए सारे, जो तुम बोलोगे इनका डिसीजन भी वही जाएगा। तो तुम जानबूझ के अगर ऐसा कर रहे हो, नहीं दिया ये भी ऑपरेशन है। तुम शेयर्स इशू कर रहे हो कंपनी के, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनी इज नॉट इक्वल टू ऑपरेशन नियरली वेयर माइनॉरिटी शेयर होल्डर रिक्वायर टू पे। देखो भैया, तुम शेयर्स इशू कर रहे हो, माइनॉरिटी पे करके खरीद सकता है, तो उसका मतलब ऑपरेशन नहीं है, वो तो जेन्युइन फंड रिक्वायरमेंट है, उसको पेमेंट करना पड़ रहा है, वो चलेगा। पर जहां जानबूझ के चीजें चल रही हैं वो कभी भी क्या नहीं है, वैलिड नहीं है। और ये देखो भाई, रिमूवल किया तुमने डायरेक्टर का, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता है, ये क्वाजी पार्टनरशिप है, भले ही रिमूव कर रहे हो लेकिन ये क्या है, ऑपरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीगल चीज कभी भी ऑपरेशन नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट नहीं, यहाँ नॉट लिखना, नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन। ठीक है, तो ये पहले तो पूरा मीनिंग है ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का, ये ऑपरेशन होता है और मिसमैनेजमेंट ये होता है। इतना आया समझ में? अब सबसे इम्पोर्टेंट वो था कि मेजोरिटी मेजोरिटी पे भी ऑपरेशन हो सकता है, उसका एग्जांपल। हाँ, मेजोरिटी पे भी ऑपरेशन हो सकता है। अब सपोज करो वही, जैसे वो 20% वाला आया नहीं था, ठीक है, अब सपोज करो 3 नहीं आए,
20% वाले नहीं आ पाए, आए कितने? दो। अब मेरे को तो पता है ना कि अगर डायरेक्टर्स दो भी हो तो मेरा कोरम बनता है। इन दोनों ने क्या किया, डिसीजन पास कर लिया कि इनके शेयर भी मारे। अब वो डिसीजन पास कर लिया, वो तो मेजोरिटी पे तुमने क्या कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, तो वो भी गलत है। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पूरा क्या, मीनिंग ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। पहले एक बार पढ़ना इसको, फिर मैं सेक्शंस पे जाऊं, तो 2-5 मिनट पढ़ लो, फिर अपन इसके सेक्शंस हार्डली 20 मिनट लगेंगे। ठीक, पढ़ लो। चलो अब आते हैं हम 241, 242, 243, 244, चार सेक्शन, 5 सेक्शन में चैप्टर खत्म। जहां जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 244 है, फिर इम्पोर्टेंट है 245, और फिर अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख के रखी हैं, वही इम्पोर्टेंट है। मतलब विद इन सेंटर जो कुछ पॉइंट लिखे ना वो इम्पोर्टेंट है, बाकी सब जनरल है। ठीक है, अब देखो 241 बोलता है भाई कौन जा सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन अगर ट्रिब्यूनल को करनी है तो ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन कौन कर सकता है, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को मेंबर करेंगे। हमको तो पता ही, इन द कैपेसिटी ऑफ मेंबर ऑपरेशन होना चाहिए, तभी वो ऑपरेशन ऑपरेशन होता है। कितने लोग जा सकते, तो पहले मैं डायरेक्टली इस पे आ जाऊं, क्योंकि बोला है एलिजिबल अंडर 244। जो लोग 244 में एलिजिबल है वही लोग जा पाएंगे और कोई नहीं जा पाएगा। बहुत ध्यान से 244 सुनना, इसी की केस स्टडीज है सबसे ज्यादा। सबसे पहले ये तुमको क्वेश्चन कुछ ऐसा देंगे कि एक कंपनी है, कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को लगता है क्या कि कंपनी के डायरेक्टर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऑपरेशन हम पे हो रहा है। दूसरी केस स्टडी उसी में दी है, कंटिन्यूसली 3 साल से शेयर होल्डर्स डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करी, शेयर होल्डर्स को लगता है, क्या लगता है, कि हम पे ऑपरेशन हो रहा है। फिर लास्ट में बोला है कि अगर एलिजिबिलिटी नहीं भी बन पाए, जितने शेयर्स 244 में बोले गए हैं, क्या फिर भी हम जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास, तो 3 चीजों पे ही पता है बार बार क्वेश्चन है। एक तो कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेस हो रहे हैं, तो ड्यू टू द कंटिन्यूस लॉसेस ऑफ द कंपनी क्या हो रहा है, वो कंपनी क्या नहीं कर रही है, ऐसा शेयर होल्डर को लगता है ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इनसे काम नहीं हो पा रहा है, तो ऑपरेशन हम पे हो रहा है। डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे कंटिन्यूस 3 साल तक, हम पे ऑपरेशन हो रहा है। और तीसरा क्या है कि भले ही 244 में जितनी एलिजिबिलिटी बोली वो नहीं हो पाए, तब भी क्या हम ट्रिब्यूनल के पास जाकर ऑपरेशन करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले तो बोला है कि हाँ भैया मेंबर्स जा सकते, लेकिन तब जब वो एलिजिबल होंगे 244 में। अगर मैम 244 में जितना बोला है उतना नहीं हो पाए हमसे, तो क्या फिर भी ऑपरेशन हो सकता है? तो मैं उस आंसर पे पहले आ जाऊं। तो बोलते हैं हाँ, ये जो भी इन्होंने बोला, अगर पता है तुम अगर ये सब भी कंप्लाई नहीं कर पाए, तो तुम एक काम करना, एप्लीकेशन देना ट्रिब्यूनल को कि एलिजिबिलिटी वेव कर दो। बड़ी जरूरत की चीज है, ऑपरेशन हुआ है, हम एलिजिबल नहीं है, हमारे मेंबर्स को क्या है ब्राइब वगैरह देके उनको बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन मत करना, वो नहीं कर रहे, पर बहुत जरूरी चीज है। इन शॉर्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा लिख के मत आना ब्राइब ब्राइब, सिर्फ बता रही हूँ कि ट्रिब्यूनल को तुम बोलो कि प्लीज ये रिक्वायरमेंट्स वेव ऑफ कर दो, तो हाँ अगर ट्रिब्यूनल का डिस्क्रिशन होगा तो वो ये रिक्वायरमेंट्स को वेव करके एक इंसान को भी बोल सकता है कि आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ, हमको बता दो ऑपरेशन हुआ है। तो वो थर्ड वाला क्वेश्चन कि अगर 244 कंप्लाई नहीं होता लेकिन ट्रिब्यूनल परमिट करता है, तब भी ऑपरेशन के लिए तुम जा सकते हो। 244 लगाने से पहले अभी अब तुम ट्रिब्यूनल के पास जा रहे हो और तुम पहले तो चेक कर रहे हो कि एलिजिबिलिटी है या नहीं, नहीं होगी तो तुम ट्रिब्यूनल से बातचीत कर लोगे। तो 244 में जाने से पहले तुम्हें एक्चुअल में क्या करना पड़ता था, सारे कॉल्स पे करो, जितने भी ड्यू है वो सारे ड्यू पहले ही पे कर दो। हाँ, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल से पूछ लोगे, ट्रिब्यूनल बोल रहा है चलो रहने दो ड्यू पे मत करो, तो कोई ट्रिब्यूनल रिक्वायरमेंट्स वेव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन विथ रिक्वेजिट नंबर ऑफ शेयर, ये रुको, तो इनका ये जो कॉल देना है या अदर सम ड्यू देना है, पहले तो दो, और दोगे तभी तुम आ सकते हो ऑपरेशन के लिए, लेकिन ट्रिब्यूनल अलाउ करेगा तो इसके बिना भी आ सकते हो। यहाँ तक बात समझ में? अब मैम अभी भी हमने नहीं देखा कितने लोग जा रहे हैं, पर हमने क्या किया पता है, कुछ लोगों ने एप्लीकेशन की और बाद में वापस ले ली अपनी एप्लीकेशन,
तो क्या ये जितना नंबर बोला है उतने नंबर के लोगों ने ही एप्लीकेशन की थी, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया, विदड्रॉ कर लिया। तो क्या मैम हमारी अब वो ऑपरेशन वाली एप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा? सपोज करो 50 लोग गए थे, लेकिन 49 लोगों ने क्या कर लिया, विड्रॉल कर लिया। सिर्फ अकेला मैं हूं जो ईमानदार था और मैं बिल्कुल लड़ रहा हूँ ये जंग को, तो क्या होगा? तो बोलते नहीं, एप्लीकेशन की जो आपने रिक्वेस्ट की थी वो लोग कब देखे जाएंगे? एट द टाइम ऑफ फाइलिंग एप्लीकेशन। और ये जेन्यून है, बाद में लोग गड़बड़ करवा सकते हैं पैसा देके, धमका के कि नहीं जाना, हमारे खिलाफ पावर है उनके पास। तो बोलते एप्लीकेशन करते वक्त जितने लोग थे वो देखे जाएंगे भाई, इसके बाद तो सारे के सारे तुम भी विड्रॉ कर दो, हमको कोई मतलब नहीं है, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा बाद में कितने भी विड्रॉ करें। क्या ये बात समझ में आई मैम? बाद में शेयर ही सेल कर दी, हम बोल रहे ना सिर्फ एप्लीकेशन के वक्त देखा जाएगा, बाद में सेल करो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं। इस पे भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली कि बाद में विड्रॉ कर लिया, अब सिर्फ 2 लोग बचे, 1 लोग बचे, कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल के बाद एट द टाइम लिखना कंपलसरी है कि एप्लीकेशन एट द टाइम देखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद बोलते मैम हम नहीं जा पाएंगे, हो सकता है ना तुम नहीं जा पाओ, किसी और मेंबर को भेजना है, कर सकते हो, लेकिन रिटर्न में कंसेंट देना पड़ेगा। क्वेश्चन है रिटर्न कंसेंट के ऊपर। ओरल कंसेंट में बोल दो कि मेरे जग भाई तू चले जाना, वो भाई नहीं चलेगा, वो भाई लिख के ही चलेगा। तो क्वेश्चन में आया है कि ओरली उसने कंसेंट दिया, वैलिड नहीं है। अगर तुम किसी और मेंबर को अपनी जगह एप्लीकेशन करने भेजना चाहते हो ट्रिब्यूनल को कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मैं ब्रॉड में, तू एक काम कर मेरे बिहाफ पे एप्लीकेशन लिखो जा, तो तुम्हें लिख के उसको पहले ऑथराइज करना होगा कि वो पर्सन जाए तुम्हारे के, मतलब तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव बन के लिख के देना होगा तुम्हारी एप्लीकेशन के लिए। तो हमने तो पढ़ा ही है ना, एनी पर्सन जा सकता है ट्रिब्यूनल के पास, अभी तो पढ़ा है एनसीएलटी में, बस तुम लिख के दे दो, तुमको लिख के देना पड़ेगा कि वो चले जाए। पर सीएसीएस वगैरह इन सब के लिए, अरे सब के लिए एनी पर्सन इंक्लूड एनी पर्सन। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बिहाफ पे अदर मेंबर फाइल करें, अगर वो सीए भी मेंबर है ठीक है तुम्हारी कंपनी में, तो लिख के दे दो उसको कि भाई तू चले जा, कोई वो सीए नहीं नॉर्मल कोई पर्सन है, अरे लिख के दो, अगर वो मेंबर है कोई और तो जा सकता है मैम, अगर वो मेंबर ही नहीं है तो तब ऑपरेशन के लिए नहीं जा सकता। ऑपरेशन के अलावा कोई और केस हो तो वो वाला केस याद आ रहा है तुमको, सेक्शन कोई भी जा सकता है एनसीएलटी के पास, पर ऑपरेशन के लिए जाना है तो उसका तो दूसरा मेंबर होना कंपलसरी है, ठीक है। तो यहां तक पढ़ा, अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई तो ट्रिब्यूनल से बात कर लो। एप्लीकेशन के दिन देखा जाएगा कि एप्लीकेशन इतने लोगों की होनी चाहिए, बाद के विड्रॉल का मतलब नहीं। और किसी और मेंबर को बोलना चाहते हो कि वो जाए, तो लिख के देना पड़ेगा कि तुम जाओ, मैं लिख के दे रहा हूं। अब जाएंगे कितने लोग उस पर आ जाते हैं देखो, या तो क्या होगा सेंट्रल गवर्नमेंट खुद भी जा सकती है, अभी मैं मेंबर्स कभी भी नहीं आ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ तब जाएगा जब पब्लिक के अगेंस्ट में कुछ जा रहा है, तो गवर्नमेंट तो तभी आगे आएगी जब हमारी जनता को कुछ दिक्कत हो रही है, तो गवर्नमेंट तब आएगी, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है। नेवर कंफ्यूज विद दिस काइंड ऑफ थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जा सकती है अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ हो रहा है। मैम स्टेट गवर्नमेंट को जाना है तो नहीं जा सकते, उन्हें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें लग रहा है पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाओ आवाज उठाओ, वो हो सकता है, पर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही जाएगी। मैम मेंबर्स देखो भाई, कंपनी में हो सकता है शेयर कैपिटल हो सकता है शेयर कैपिटल नहीं हो, जरूरी थोड़ा ना हर कंपनी में शेयर कैपिटल ही हो। तो यहाँ बोलते हैं कि अगर शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 मेंबर, या फिर जितने भी मेंबर्स हैं उसका 1/10, या फिर इशूड, इशूड मैंने बोला था कि सिर्फ कॉम्प्रोमाइज, ये प्रिवेंशन ऑपरेशन में इशूड कैपिटल है, सब जगह तुम पेड अप शेयर कैपिटल पढ़ रहे हो, तो जितनी कैपिटल इशू की उसका 1/10, तो कम से कम 100 या 1/10 या नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल जाएंगे, चाहे वो इक्विटी हो प्रेफरेंस हो बोथ। पर मैम हमारे पास तो शेयर कैपिटल ही नहीं है, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो जितने लोग हैं ना उसका 1/5 कर लो, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/5 हो जाएगा। ये 244 था तुम्हारा, 244 बोलता है मेंबर्स जा रहे हैं,
या फिर मेंबर्स में शेयर कैपिटल होगा, शेयर कैपिटल नहीं होगा. शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर, 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, या फिर नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट है. 1/10 ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल. और अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है मैम, अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स का 1/5 करना होगा. ये है तुम्हारा 244. चलो चले गए. ये हमने बोला था 241 में कौन जा सकता है, मेंबर्स जा सकते हैं जो एलिजिबल है. तो ये थे तुम्हारे एलिजिबल मेंबर्स. फ्लो समझ में आया? पहले तो मेंबर जाएंगे, जब मेंबर पे ऑपरेशन होगा तो पहले ऑपरेशन के फैक्ट्स पढ़े. अब हमने बोला था मेरा केस स्टडी क्या थी मैम, कंपनी को कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं, कंटिन्यूस लॉसेज हो रहे हैं, तो मेंबर्स को लगता है ऑपरेशन हो रहा है. नहीं, कंपनी लॉस, देखो भाई बिजनेस चालू करने का ही मतलब ये होता है या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. उसमें तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि ये ढंग से काम नहीं करे, अनटिल मिसमैनेजमेंट हो. दोनों की आपस में नहीं बन रही, वो एक अलग चीज है, पर नॉर्मल है कि आप बिजनेस कर रहे हो तो लॉसेस भी एक्सेप्ट करना सीखो. तो वो मिस ऑपरेशन ही नहीं है. जब ऑपरेशन नहीं है तो 244 की बात ही नहीं आती. फिर मैम डिविडेंड 3 साल से डिक्लेयर नहीं कर रहे. लॉ ने लिख के रखा है कि डिविडेंड इज एन ऑप्शन. अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो दिस इज एन ऑप्शन गिवन बाय लॉ. और लीगल कोई भी चीज ऑपरेशन नहीं होती तो भी तुम नहीं जा सकते. फिर एक और केस जोड़ देते, डिविडेंड सबको बांटा गया लेकिन दो शेयर होल्डर्स को नहीं बांटा. नाउ दिस इज एन ऑपरेशन कि सबको दे रहे हो तुमको नहीं दे रहे, ये ऑपरेशन. और इस ऑपरेशन के लिए 244 देख लो. अब मैम दो ही शेयर होल्डर है, हमारा तो पूरा ही नहीं हो पा रहा होगा, तो फिर एनसीएलटी से रिक्वेस्ट कर लो कि भाई हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही, क्या हम आ जाएं. आर यू गेटिंग द फ्लो? ठीक है. अब इसके अलावा एक और चीज है, क्लास एक्शन वाली चीज भी, जो मैं यही बता दी. क्लास एक्शन मतलब ग्रुप जाता है, डिपॉजिटर्स को भी राइट दिया. देखा जाए तो मेंबर्स को तो पहले ही राइट मिल चुका है, पर अब बोल रहे हैं मेंबर्स और डिपॉजिटर मिलके भी जा सकते हैं. या तो सिर्फ डिपॉजिटर भी जा सकते हैं, या तो मेंबर एंड डिपॉजिटर जा सकते हैं. और सिर्फ मेंबर्स जाना चाहेंगे मैम तो ऑलरेडी ये देखो ना, मेंबर्स तो यहाँ पे कवर ही हो गए. तो ये जो सेक्शन आया था ये इसलिए नहीं आया था, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं ये क्लास सेक्शन आया ही क्यों, जब मेंबर्स तो ऊपर ही कवर हो चुके थे. वो इसलिए आया, कभी दोनों को मिलजुल के जाना हो तो मेंबर डिपॉजिटर, तब क्लास सेक्शन 245 लगेगा. क्लास बन गई है मैम, सिर्फ डिपॉजिटर को जाना हो तब क्लास एक्शन लगेगा. तो यहाँ पे अगर डिपॉजिटर्स के लिए कुछ प्रीजुडिशियल हुआ है या फिर मेंबर्स के लिए भी प्रीजुडिशियल हुआ है, दोनों साथ में मिलजुल के टीम बना के जाना चाहते हैं, तो अगर अफेयर्स ऑफ द कंपनी क्रेडिटर के लिए, डिपॉजिटर के लिए, मेंबर्स के लिए प्रीजुडिशियल गया, तो तुम देखो ना यहाँ पे अगर शेयर कैपिटल है तो वही 100 मेंबर जाएंगे, ऊपर भी 100 मेंबर था. पर हाँ यहाँ पे क्यों 5% कर दिया, क्योंकि मिली जुली भगत जा रही है ना, दोनों मिलके जा रहे हैं, तो 5% इसका, 5% इसका हो गया 10%. ऊपर याद है शेयर कैपिटल में 10% था, अब तुम दोनों मिलके जा रहे हो ना, 5% दोनों के टोटल नंबर के देख लो. इशूड शेयर कैपिटल का 5% अगर ये क्या है, अनलिस्टेड कंपनी, ये कंपनी लिस्टेड नहीं तो थोड़े ज्यादा लोग चाहिए, पर लिस्टेड कंपनी है तो इशूड का 2% भी हमको चल जाएगा. और डिपॉजिटर में फिर वही 5%, कम से कम टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर का क्या चाहिए, 5%, और डिपॉजिट अमाउंट का भी कम से कम 5% होना चाहिए. लोग वैल्यू वाइज भी देख रहे हैं, नंबर वाइज भी देख रहे हैं, इसमें से विच एवर इज लोअर जो होगा वो लोग जा सकते हैं. तो वहां पे 10% था, अब यहाँ दो मिली जुली सरकार जा रही तो इक्वली डिवाइड कर देना 5-5, तो रटो मत इसको कि यहाँ 5 क्यों हो गया. 5 इसलिए हो गया क्योंकि अब दो मिलके जा रहे हैं, और मैं मिलके नहीं जा रहे, सिर्फ ये जाएगा तो ये वाला तो ऊपर कवर ही नहीं हुआ ना तुम्हारा, वहां तो सिर्फ मेंबर्स कवर हुए. तो इसीलिए ये क्लास एक्शन वाली चीज आई. क्या ये समझ में आ गया? तो मैम कोई शेयर कैपिटल नहीं है, जब शेयर कैपिटल नहीं है तो दोनों का ही सेम है ना, वहां भी 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, दोनों का ही सेम है. मैम जो भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा सब पे बाइंडिंग है, कोई अपील नहीं होगी इसके अगेंस्ट. बाइंडिंग, बाइंडिंग का मतलब ये होता है अगेंस्ट में अपील नहीं होगी. इसका मतलब एनसीएलटी ऑर्डर दे रहे मैम, एनसीएलटी के पास जा सकते हैं. ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टी, सब पे बाइंडिंग है. अब ये खत्म, यहीं पे थम जाओ. फिर मैम ये तो फ्रिवोलस एप्लीकेशन है, जब फ्रिवोलस एप्लीकेशन है तुमने एक्चुअल में ऑपरेशन हुआ नहीं, जानबूझ के कंपनी की छेड़ी लेने के लिए क्या किया, एप्लीकेशन दिए. अगर ये प्रूफ हो जाता है तो कम से कम 1,00,000 की पेनल्टी, दिस इज अ पॉइंट ऑफ एमसीक्यू.
एमसीक्यू में आ सकता है कि कम से कम 1 लाख की, नॉट एक्सीडिंग बोला है, नॉट एक्सीडिंग मतलब 1 लाख से ऊपर नहीं होगी, 1 लाख तक की पेनल्टी तो होगी होगी। ऐसा नहीं है कि तुम कंपनी के मजे लोगे और वो लोग छोड़ देंगे तुमको। क्या यहां तक बात समझ में आई सुमित? यस। चलो अब मैम 245 में गए तो ये लोग क्या रेमेडी प्रोवाइड करेंगे? देखो भाई रेमेडी पे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बट हमें पता तो होना चाहिए कि भाई गए हैं तो इनके लिए क्या रेमेडी है। कंपनी कुछ अल्ट्रा वायर करना चाहती है, तुमने पढ़ा था भी मेरे साथ कि कोई भी इलीगल एक्ट होगा कुछ भी कर लो मेजोरिटी भी उसको इलीगल नहीं बना सकता, तो कंपनी कोई अल्ट्रा वायर एक्ट कर रही है। कंपनी किसी मेमोरेंडम या आर्टिकल के प्रोविजन को ब्रीच करने की कोशिश कर रही है, या फिर क्या हो रहा है कंपनी या उसके डायरेक्टर रिजोल्यूशन के अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब समझ लो कंपनी डिफ्रॉड करना चाहती थी किसी डायरेक्टर को, कंपनी डिपॉजिटर मेंबर क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए या तो अल्ट्रा वायर एक्ट कर रही है या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट चल रही है या फिर प्रोविजन ऑफ द एक्ट वायलेट कर रही है या फिर रिजोल्यूशन जो पास किया था वो ऐसा पास किया था कि आर्टिकल को अमेंड करेंगे पर वो आर्टिकल को अमेंडमेंट गलत है, या आर्टिकल में लिखना चाह रहे हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो जाए तुम ऑपरेशन के लिए नहीं आओगे कभी भी, तो ये तो शुरू से ही वॉइड है। मतलब कंपनी कुछ भी ऐसा कर रही है तो ये लोग रेमेडी लेते हैं ट्रिब्यूनल से, ट्रिब्यूनल के पास जाके बोलेंगे देखो रिजोल्यूशन ऐसा पास किया है, ट्रिब्यूनल देखो ये अल्ट्रा वायर एक्ट कर रहे, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल, फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगा रेमेडी प्रोवाइड करेगा। अब इम्पोर्टेंट ये जिसपे क्वेश्चन है इसके अंदर मैं बोल रही हूँ सेक्शन ए बी, सेक्शन के अंदर भी पॉइंट वाइज भी एबीसी होता है पर इस पे क्वेश्चन है। ये बोलते हैं क्लेम डैमेज फ्रॉम कंपनी, ये क्या कर रहे हैं ट्रिब्यूनल तुमको रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है तो रेमेडी है, ये कंपनी तुमको नुकसान हुआ कंपनी नुकसान भरो, डायरेक्टर इनको नुकसान भरो। इनफैक्ट अगर तुम्हारे साथ मिलके ऑडिटर या ऑडिटर की फर्म एक्सपर्ट या एक्सपर्ट एडवाइजर कंसल्टेंट रॉन्ग स्टेटमेंट इशू करते हैं मिसलीडिंग स्टेटमेंट इशू करते तो इनसे भी क्लेम वसूला जा सकता है, डैमेज वसूला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी भी है कि ऑडिटर का स्टेटमेंट ऐसा था या फिर एक्सपर्ट, जो इतना मुझे याद नहीं पर ये मेन ये था कि ऑडिटर या एक्सपर्ट का स्टेटमेंट है उसके कारण लोगों ने इन्वेस्ट किया उस प्रोजेक्ट में, बाद में जाके पता चलता है कि द स्टेटमेंट वॉज मिसलीडिंग। ये लोग जाते हैं डैमेज क्लेम करने के लिए तो बोलते हैं डैमेज क्लेम करने के लिए क्या ट्रिब्यूनल के पास ये लोग जा सकते हैं? तो हाँ जा सकते हैं क्योंकि ऑडिटर या एक्सपर्ट की एडवाइस ऐसी थी जो मिसलीडिंग थी या इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिख के रखा था तो इनको भी डैमेज देना पड़ेगा। तो पॉइंट के अंदर इस चीज के ऊपर भी उन्होंने केस स्टडी का क्वेश्चन बना रखा। फिर उसके बाद पनिशमेंट क्या है, तो देखो ये तो मैं अभी समझा भी दूं तो रटन विद्या ही है कि अगर कंपनी ने गलती की है तो कम से कम 5 लाख, देखो यहाँ नॉट लेस देन लिखा है यहाँ, अब तुम ये नहीं लिख सकते क्या कि एटलीस्ट 5 लाख, सही बोलो मैं सही बोल रही हूँ, एटलीस्ट 5 लाख बोल दू मैं सही बोल रही हूँ, सही तो बोल रही हूँ, कम से कम 5 लाख तो होना ही चाहिए, 5 लाख तो चाहिए और उसका एक्सटेंशन 25 तक जाएगा, पर तुम अप टू 5 लाख नहीं लिख सकते, 5 लाख मतलब 5 लाख से ऊपर मत जाना ये गलत हो जाएगा, तो वर्डिंग पे ध्यान दो, 5 से कम नहीं चाहिए, 4 लाख नहीं 3 लाख नहीं 5 तो चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर एक्सटेंड होगा 25 तक, मैम 26 नहीं 27 नहीं, बार दे दिया कि 5 से 25 लाख, तो जनरली पनिशमेंट लिखने में गलती कहाँ नॉट लेस देन लिखना है, कहाँ अप टू लिखना है, कहाँ एटलीस्ट लिखना है, वहां गड़बड़ होती है। मिनिमम 5 मैक्सिमम लिख दो 25, बट वर्ड्स का फोकस ध्यान से। और फिर यही नहीं, इसके ऑफिसर्स होंगे, ऑफिसर कौन कौन, मतलब जो हमारी सैलरी बना रहा है, अरे नहीं ऑफिसर इन चार्ज की बात होती है, जिनके पास फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव है मतलब की मैनेजरियल पर्सनल वाले ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, उनको भी कम से कम 25,000 तो देने ही पड़ेंगे, जिसका एक्सटेंशन 1 लाख तक आ सकता है और इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है ये हो गया 244 245। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ जुड़ के आता है वो यही है, कौन जा सकता है भाई, मेंबर्स जा सकते हैं, हाँ गवर्नमेंट, अभी मैंने बताया था ना सेंट्रल गवर्नमेंट भी जा सकती है, तो या तो मेंबर्स जाएंगे, मेंबर्स कब जाएंगे जब अफेयर ऑफ द कंपनी हैव और आर, हैव मतलब पास्ट में,
शुरू से ही गलत चलता रहा है। मैम आपने तो बोला था पास्ट, अरे कंटिन्यूइंग इफेक्ट है, तो अगर पुराना गलत चल रहा था या अभी भी गलत चल रहा है, चाहे कंपनी के लिए गलत चल रहा हो, ये ध्यान रखना, चाहे कंपनी के लिए गलत हो, पब्लिक के लिए गलत हो, या फिर मेंबर्स के लिए गलत हो, किसी के लिए भी गलत चल रहा है, तो यहाँ पे तुम क्या जा सकते हो, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए जा सकते हो। या फिर कुछ ऐसा मटेरियल चेंज हुआ है, मटेरियल चेंज मतलब सपोज करो पहले मेजोरिटी कोई और था, अब मेजोरिटी कोई और बन गया, तो वो मटेरियल चेंज के कारण क्या हो रहा है, कुछ मेंबर्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए गलत जा रहा है। मेंबर्स कैसे, जिनने शेयर होल्डिंग रखी, 5 डायरेक्टर में से 2 डायरेक्टर नहीं आए थे, इन्होंने रिजोल्यूशन पास करके सारे शेयर अपने नाम कर लिए, तो हो गया ना मटेरियल चेंज, बट अफेक्ट किसको हो रहा है, मेंबर्स को, तो इस कारण। या फिर ओनरशिप कंपनी की चेंज हो रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेंज करो, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना इनके रिश्तेदारी आए, तो ये सारी चीजें क्या है, बता रहे हैं कि गलत 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 हो रहा है, पर मेन पता है क्या रखना है यार, कंपनी के लिए गलत हो, पब्लिक के लिए हो, मेंबर्स के लिए हो, चाहे मटेरियल चेंज ओनरशिप का हुआ हो या फिर मटेरियल चेंज कंट्रोल में हुआ हो, चाहे ओनरशिप में हुआ हो, कंट्रोल में हुआ हो, या फिर कंपनी मेंबर्स या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई मटेरियल चेंज है। और गवर्नमेंट तो सिर्फ तब जाएगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत गया है तो ही जाएंगे। तो ये किसको बोलेंगे, ट्रिब्यूनल को, कि भाई गलती हो रही है या गड़बड़ हो रही है। अब फिर जनरल पॉइंट चालू हो गए, अब ट्रिब्यूनल क्या करेगा, तो ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो पर्सन यहाँ पे काम ये जो बिजनेस कर रहा है ना, ये पर्सन, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये तो इसने कुछ ना कुछ फ्रॉड करके रखा है, या तो अभी किया है, पहले फ्रॉड करके आया पुरानी कंपनियों में और अब इस कंपनी में डायरेक्टर बन रहा है। पहली बात तो तुमने कहीं फ्रॉड किया है तो तुम डिस्क्वालिफाई होते हो यहाँ पे, याद करो वो कंडीशन याद है तुमको 164 सबसेक्शन 2 की, कंटिन्यूअस 3 साल और या फिर 1 साल वाली, जहां तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया तो वो फ्रॉड ही कहलाता है। तो बोलते कभी इन्होंने, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो यहाँ पे मेन पर्सन है ना, इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं ये मेन पर्सन है कोई फ्रॉड करके बैठा हो, या फिर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग तो इसकी चीजें चली नहीं रही है, ब्राइब देता जाता है, लॉ अपने अकॉर्डिंग चेंज करवा रहा है गवर्नमेंट को पैसा दे देके, कहीं साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के अगेंस्ट तो नहीं चल रहा, या फिर ऐसे तरह से कोई काम तो नहीं कर रहा कि इंडस्ट्री को ही डैमेज होने लग जाए। आर यू गेटिंग, अब वो पर्सन पे शक करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, यह पर्सन या तो फ्रॉड वाला है या फिर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल नहीं चल रहे या फिर डैमेज कर रहा है इंडस्ट्री को। तो अगर इनको लगता है कुछ गड़बड़ है, या फिर क्रेडिटर मेंबर या अदर पर्सन, वो मतलब अदर पर्सन, किसी को भी फ्रॉड करने की कोशिश कर तो नहीं रहा है, तो ये ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे कि इंक्वायरी करो। अगर इंक्वायरी की और सच में प्रूफ होता है कि हाँ ये गड़बड़ है, तो इसका मतलब ऑपरेशन तो लगेगा, और मैं बताऊँ अभी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वाला चैप्टर भी जुड़ जाएगा इससे, क्योंकि पर्सन ने गलती की है तो वहां इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वाला चैप्टर ही है ये साथ में, तो ये दोनों पॉइंट साथ में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, या तो इंसान फ्रॉड कर रहा है, या फिर वो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल पे नहीं चल रहा, या फिर सीएमओ को फ्रॉड कर रहा है, मतलब क्रेडिटर मेंबर अदर पर्सन को डिफ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगी, और ट्रिब्यूनल को अगर लगता है कि ये बात सही है तो वो इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी के बाद ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट स्टार्ट कर देगा। बस ये लास्ट खत्म। इसमें बोलते हैं कि मैम ट्रिब्यूनल के पास पावर क्या है, ट्रिब्यूनल के पास तुम गए, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा केस एक्सेप्ट हो जाएगा, पहली चीज ट्रिब्यूनल को लगना चाहिए, अभी अपन ने पढ़ा ना एट द डिस्क्रीशन ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को लगेगा वो तुम्हारा केस एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। पर हाँ, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है तो वो चाहे तो जो पावर है, कुछ उसको एग्रीमेंट का टर्मिनेशन करवाना है, किसी एग्रीमेंट में मॉडिफिकेशन करवाना है, करवाएगा। एग्रीमेंट में ही ऐसा था ना लिखा हुआ कि तुम ऑपरेशन में नहीं आ सकते, याद आ रहा है, किसी एग्रीमेंट या आर्टिकल में लिख दो तुम, तो उसने एग्रीमेंट को मॉडिफाई करवा दिया कि नहीं ऑपरेशन पे जा सकते हो, बस खत्म। ये पावर है ट्रिब्यूनल की। या फिर दिख रहा है ये एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है, जैसे डायरेक्टर्स ने अपने नाम पे कर लिया कंपनी का एग्रीमेंट रिजोल्यूशन पास करके, याद आ रहा है, तो 245 में ये गए थे डिपॉजिटर और मेंबर मिलके कि देखो क्या कर रहे हैं, ये प्रोविजन ऑफ द एक्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, ऐसा रिजोल्यूशन पास किया जो सही नहीं है, अभी तुमने देखा रेमेडी प्रोवाइड होगी, तो वो रेमेडी क्या बोलेंगे, टर्मिनेट दिस एग्रीमेंट, खत्म।
तो ये जनरल चल रहा है कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं अगर कंपनी पब्लिक इंटरेस्ट या मेंबर्स के प्री जुडिशियल कुछ हुआ है एंड कंपनी बंद करना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कितने एम्प्लॉय होंगे बेचारे जो उनकी क्या चला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। तो या तो वो बोल सकते हैं कि फ्यूचर की चीजें हम देखेंगे, वो डायरेक्टर्स खुद अपॉइंट कर देंगे कि हमारे डायरेक्टर्स आएंगे, जिसको नॉमिनी डायरेक्टर भी बोल सकते हो तुम, या फिर वो बोल देंगे कि इसके शेयर्स उसको ट्रांसफर कर दो, उसके शेयर्स तुम ट्रांसफर, मतलब जो सही लगता है, या फिर आगे से तुम अलॉट नहीं करोगे 2 साल तक शेयर, जैसा गवर्नमेंट इसको लगता है ट्रिब्यूनल को किसी एग्रीमेंट को मॉडिफाई करना है, जो भी करना है वो वैसा ऑर्डर पास कर सकता है। ये जनरल है, जो इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ अब उस पर फोकस करना। तुमने तो क्या किया, एग्रीमेंट मॉडिफाई टर्मिनेट सेट असाइड कर दिया। अब ये जो एग्रीमेंट था कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर्स के बीच में एग्रीमेंट था, कंपनी ने डायरेक्टर्स के साथ होता है ना डायरेक्टर को अपॉइंट किया कि टर्म्स एंड कंडीशन पे करो, दैट इज काइंड ऑफ एग्रीमेंट। तुम वो एग्रीमेंट को क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अगर तुमने टर्मिनेट किया मतलब वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंसी हो गई ठीक है, तो बोलते कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे, तुमने कुछ गलती की थी इसीलिए तुम्हारा क्या हुआ टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन हुआ, तो कोई कंपनसेशन डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को नहीं मिलेगा। क्या मैं बोलती केएमपी को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, की मैनेजर पर्सनल दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर मैनेजर कोई भी कंपनसेशन नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट, 5 साल तुम मत आओ कंपनी में, पर मैम हम फिर से रीअपॉइंट होना चाहते हो, तो ट्रिब्यूनल से परमिशन लो अगर 5 साल के अंदर वापस आना चाहते हो कंपनी में। तो इस पे क्वेश्चन है कि एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर को टर्मिनेट किया गया था लेकिन 5 साल के अंदर वापस रीअपॉइंट कर लिया, उसको वैलिड है? बिल्कुल वैलिड नहीं है। अगर ट्रिब्यूनल की परमिशन से आया तो ही वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं। डायरेक्टर कंपनसेशन मांग रहे कि मुझे निकाल दी गया मुझे कंपनसेशन दो, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये वाले पे स्पेसिफिकली इस चीज पे क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर तुमने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो फाइन कितना है, 5 साल का तुमको फाइन लगेगा, ठीक है। फिर एक और जगह यही सेम दिया है, ट्रिब्यूनल ऑर्डर कर रहा है, क्या ऑर्डर कर रहा है ट्रिब्यूनल, की जिस पर्सन को याद है वो चेक कर रहे थे कि कहीं फ्रॉड तो नहीं किया, कहीं वो किसी को डिफ्रॉड तो नहीं कर रहा, अगर उनको पता चल गया कि ये फिट नहीं है तो ऑब्वियसली वो उसको भी हटाएंगे। तो बोलते हैं कि 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन वापस मत आना, 5 साल के लिए तुम्हारा भी कूलिंग चालू हो गया, कंपनसेशन तुमको भी नहीं मिलेगा, तुम भी क्या है अगर फिर भी अपॉइंट हुए हो तो पेनल्टी 5 लाख लगेगी। मतलब सेम डायरेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, और उससे पहले आना चाहते हो तो ट्रिब्यूनल से क्या ले लेना, परमिशन ले लेना। बाकी सारा जनरल है कि शेयर इनको जिसको ट्रांसफर कराने करवाएंगे, कोई गेन रिकवर करना है करेंगे, कोई कॉस्ट इम्पोज करना है करेंगे, अपॉइंटमेंट का मैनर बताएंगे, सब रिमूवल किसका करना है सब बताएंगे। 2 इम्पॉर्टेंट है, चाहे मैनेजर हो डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो या फिर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई थी उसको हटा रहे, 5 साल का कूलिंग है, वापिस तभी लेंगे 5 साल के अंदर जब ट्रिब्यूनल परमिट करेगा, 5 साल के बाद तुम उसको रिअपॉइंट करो, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं भी गड़बड़ करते हो तो पेनल्टी 5 लाख की रुपए की लगेगी। फिर लास्ट एक और, ये इम्पोर्टेंट एक और है, लास्ट बिल्कुल पॉइंट, अगर तुम मेमोरेंडम या आर्टिकल को अमेंड कर रहे हो तो ट्रिब्यूनल पता है एक्ट के अगेंस्ट जाके भी अमेंडमेंट करवा सकता है। एक्ट में नहीं लिखा है कि ऐसा करना चाहिए, ट्रिब्यूनल की इतनी पावर है कि भले ही एक्ट के अगेंस्ट जा रहा है लेकिन वो अगर बेनिफिशियल है ऑपरेशन को खत्म करने के लिए तो वो एक्ट के अगेंस्ट भी क्या करवा सकता है, आर्टिकल को अमेंड करा सकता है, मेमोरेंडम को अमेंड करा सकता है। और आगे से कंपनी को कोई ऑल्ट्रेशन करना है तो ट्रिब्यूनल से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे बस, मैनेजिंग डायरेक्टर डायरेक्टर को निकाल रहे हो, मैनेजर को निकाल रहे हो, कोई कंपनसेशन नहीं, उस पर्सन को निकाल रहे हो जिसके अगेंस्ट इंक्वायरी हुई, कोई कंपनसेशन नहीं, ट्रिब्यूनल कंपनी एक्ट के अगेंस्ट जाके भी आर्टिकल मेमोरेंडम को अमेंड कर सकता है, और अगर आगे से कंपनी को कोई अमेंडमेंट ऑल्टरेशन करना है तो पहले ट्रिब्यूनल से बातचीत करनी पड़ेगी। दिस कंप्लीट्स योर ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का चैप्टर।